जी जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ऑडियो और वीडियो क्लियरली दिख रही है तो काइंडली लेट अस नो। ओके, परफेक्टली फाइन। बस वी विल बी स्टार्टिंग वेरी शॉर्टली। कैंपस के स्टूडेंट्स थोड़ा सा दे विल टेक अ मिनट टू गेट सीटेड, थोड़ा सा उनको बैठने में और एडजस्ट होने में 60 सेकेंड्स लगेंगे एंड वी विल बी स्टार्टिंग इन 60 सेकेंड्स। तब तक हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको ये जरूर बता दें कि इट विल बी एज इंटरैक्टिव फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज इट विल बी फॉर द ऑन कैंपस स्टूडेंट्स। तो मैं इनक्रेज करूंगी, हाईली इनक्रेज करूंगी कि आप जो है ऑनलाइन स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम इंटरेक्शन में रहें विद द चैट बॉक्स, या फिर आप अनम्यूट भी हो सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, बैठे प्लीज। और आप आगे बैठ सकते हैं फील फ्री, क्योंकि ये वाइवा नहीं होगा, सो इट यू डोंट हैव टू सिट ऑन द बैक बेंचेस। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, कैंपस के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, तो फिर वी कैन टेक अ फॉर्मल स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज डॉक्टर नूरुल हुदा और यू आर ऑल प्रीटी मच फेमिलियर विद मी। आप हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं जब हम ओल्ड कैंपस में होते थे। सो आज इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी बताया कि इट इज सपोज टू बी मोर ऑफ एन इंटरैक्टिव सेशन रादर देन दिस कि हम 2.5 घंटे बाबा जी बन के बोल के जाएंगे ये कर लो ये कर लो ऐसे कर लो तो सी एस एस जो है वो हो जाएगा, राइट। सी एस एस इज ऑलवेज अ टेलर मेड थिंग जो कि हर किसी के लिए इंडिविजुअल है, हर किसी के लिए अलग है, सबके लिए सेम वन साइज फिट्स ऑल कभी भी नहीं होता, विच इज व्हाई इट इज ऑलवेज नेसेसरी कि स्टूडेंट जो खुद सी एस एस देने वाला है उससे तो बातचीत की जाए, उसके बारे में मालूम हो कि अच्छा व्हाट आर हिज और हर कंसर्न्स एंड हाउ डज ही फंक्शन इन दिस होल इकोसिस्टम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहली बात ये है कि आए क्यों हैं यहाँ पे, व्हाट शुड बी योर मोटिवेशन टू गो फॉर दिस, राइट। तो इसी तरह से इस सेशन को हम मैक्सिमम जो है वो इंटरेक्टिव रखेंगे, आप लोग खुल के फ्रीली जो है वो बातचीत कर सकते हैं। एंड आई बिलीव के आप लोग जब भी सी पी आई में वॉक इन भी करते हैं तो आपको नेचुरली एक चीज़ फील हो जाती है कि दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आपको ऐसे फेसेस दिखते हैं जहाँ पे आप ओपनली बातचीत जो है वो कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू फील के हाय अल्लाह ये बात कर दी तो पता नहीं क्या होगा, राइट। सो फील फ्री कम्फर्टेबली यहाँ पे बैठ के जो है वो बात कीजिएगा, बोथ फॉर ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस स्टूडेंट्स। स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट एक चीज आपको बताना चाहूंगी एंड दैट इज के सी पी आई एग्जिस्ट क्यों करता है, ये बना कैसे। सो हुआ ये कि 2021 में मैंने अपनी अटेम्प्ट दी थी एंड राइट आफ्टर दैट देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के अटेम्प्ट दी है, बहुत पापड़ बेल के दी है, बहुत सारी अकेडमीज घूम के बड़ा कुछ देख के, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एसे, तब जाके एक राइट गाइडेंस शायद बनी है, मिली वो तब भी नहीं है कि एक्यूमुलेट हुआ है ऑफ ऑल दी वेरियस एक्सपीरियंसेस कि अच्छा दिस इज समथिंग विच शुड बी डन, ये सही तरीका है। बहुत दफ़ा आपको बहुत हेफ्टी सम्स पे करके भी पीपल आर नॉट अवेलेबल फॉर यू विच इज वेरी आई वुड से डिसअपॉइंटिंग, आपको बड़ी डिजेक्शन फील होती है कि अच्छा शायद मुझ में कोई मसला है या मुझ में कोई कमी है कि शायद मुझे कोई अटेंशन देता ही नहीं है, ठीक है, या मुझे कोई फीडबैक या रिस्पांस देता ही नहीं, राइट। उस सारी एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद देयर वाज जस्ट दिस वन मोटिवेशन कि अच्छा कोई भी अगर चाहता है ना जेन्युइनली कि वो एक चीज को सीएसएस को पागलों की तरह परसू करना चाहता है, एक पैशन की तरह परसू करना चाहता है, तो दोबारा कभी भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि किसी को ये महसूस हो कि अच्छा मैं पे कर रहा हूँ, मैं मेहनत दे रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी कुछ पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा। ऐसा रिस्क या ऐसा टॉर्चर किसी भी यंग इंसान के जहन पे नहीं होना चाहिए। सो देन वी स्टार्टेड सीपीआई राइट आफ्टर माय अटेम्प्ट, हमने इस चीज को स्टार्ट किया एज अ वेरी स्मॉल प्लेटफॉर्म, घरों से अपने हमने स्टार्ट किया, तब हम 6-7 लोगों को बच्चों को लेकर आ रहे होते थे और हमारे घर वाले समझते थे कि हम सारे बेवकूफ हैं क्योंकि MBBS की डिग्री लेके इंजीनियरिंग की डिग्री लेके हम लोग कुछ कमा नहीं रहे, हम 6-7 बच्चों को बैठ के पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। उन हम्बल बिगिनिंग से ये स्टार्ट हुआ, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हमें वी गॉट अ चांस कि हम कैंपस से फिजिकली छोटा सा स्टार्ट करें, आपने वो छोटा सा सेटअप देखा हुआ एंड राइट फ्रॉम दैट टुडे इज द डे कि हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हैं। 2022 का सीएसएस का जो बैच है वो पहला बैच था
जो कि हमने पढ़ाया था CEPI में, कल उसका रिजल्ट आया और मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो इतना अच्छा रिजल्ट था, क्योंकि हमने बहुत छोटे से कोहॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और शायद मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उसमें से इतनी अच्छी पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन निकलेगी। कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होपफुल इसलिए था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वो मिथ ब्रेक हुआ है कि टॉपर जो है वो हमेशा अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स और बिजनेस ऐड रखता है। ठीक है, तलहा के हमने जो फाइल उनके पास उनकी रखी थी, हमारे पास उनके सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, यूएस हिस्ट्री, जेंडर, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, ऑल द क्लिशेड सब्जेक्ट्स जिनको समझा जाता है कि इन्होंने तो ये नंबर दे ही ना दे। सो द थिंग इज के अगर आप सब लोग जो यहाँ आज बैठे हुए हैं ये फियर लेके कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग के हो जाता है अगर आप राइट डायरेक्शन में राइट गाइडेंस के साथ चल रहे हैं। ठीक है, इस बिलीफ के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमने 5-10 मिनट लेट भी स्टार्ट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह कभी मूवीज में होता है ना कि एक सब चीजें परफेक्ट चल रही होती हैं, इट्स अ ब्राइट सनी डे, पूरे 6 बजे जो है ना आंधी आ जाती है और लाइट भी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो वो चीज हो गई थी। बट गुड टू सी के हमारे स्टूडेंट्स के पास कनेक्टिविटी है, हमारे स्टूडेंट्स अच्छा एक स्ट्रेंथ यहाँ पे आ चुकी है। सो एक इस पॉजिटिव प्रिजम्पशन के साथ प्लीज स्टार्ट करिए कि किसी को भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री लेके आने की, फॉरेन ग्रेजुएट होने की, कोई स्पेसिफिक सर्टेन ट्रेड्स होने की जरूरत नहीं होती, ना ही अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स हमेशा रखने की जरूरत होती है। आप हमेशा हमेशा यू कैन मेक योर मार्क विदाउट हैविंग एनी प्रायर बैकग्राउंड इन टू CSS। इट्स जस्ट दैट ये जो आपको 6-8 महीने मिल गए हैं ना, इनको सही से यूटिलाइज करें। सही से यूटिलाइज कैसे करना है उसके बारे में कुछ चीजें हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सर को मैं हैंड ओवर करूंगी, वो आपसे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे एंड देन आई विल गेट बैक टू यू अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ इट। प्लीज। थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर मेरी आवाज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आ रही है तो बताएं मुझे, मैं ऑडिबल जी टू द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर? आवाज क्लियर बिल्कुल सर, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? घर वालों से तो पूछ लें पहले, वो कहते हैं कि हमारे से तो पूछे नहीं, बाहर वालों से पूछ। मैडम ने जो बातें आपके साथ की हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, और उन इंपॉर्टेंट बातों को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो फिर आपके लिए CSS करना या कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम को पास करना ना वो आसान। लेकिन मैं ना कुछ डराने वाली बातें करता हूँ, इसलिए मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स को ना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट कुछ क्लियर बातें करनी चाहिए, सबज बाग दिखाने की जरूरत नहीं है, और उनको ये बताना चाहिए कि दिस इज व्हाट यू नीड टू क्लियर योर CSS, दिस इज व्हाट यू रिक्वायर। अगर आप एलोकेशन लेना चाहते हैं तो ये काम करना है, अगर आप एलोकेशन नहीं लेना चाहते तो फिर इन कामों को छोड़ दें। क्लियर है? तो मैं कुछ बातें बहुत क्लियर करूंगा आपके साथ, हो सकता है वो आपको थोड़ी सी दुख भी दें और आपको लगे कि शायद हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि मैं सबज बाग दिखाने वाला नहीं, मैं क्लियर बात करूंगा। जहां कोई चीज आपको समझ नहीं आती, आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप राइट अवे मुझे रोकें और कहेंगे सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मैं आपको राइट अवे बात बताऊं। बात क्लियर होगी, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास इस इंस्टीट्यूट के अंदर ना एक चीज फर्क है जो बाकी सबके अंदर नहीं है, वो बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट में यहां से बात करूंगा। हम यहां पर आपको ना CSS पास करवाने के लिए नहीं बैठे, हम आपको ना एलोकेट करवाने के लिए बैठे। राइट, देयर टू डिफरेंट थिंग्स, CSS पास करना या एलोकेट होना, इनमें दो डिफरेंट चीजें आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि एलोकेशन के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं। आ जाए आ जाए आ जाए, आप इधर आ जाए, हमें से इधर कोई आ जाए, आ जाए। अच्छा, CSS पास करने के लिए और एलोकेट होने के लिए ना कुछ डिफरेंट चीजें चाहिए होती हैं। पास करने के लिए आपको मेहनत चाहिए होती है, एलोकेट होने के लिए आपको ना स्मार्ट वर्क भी चाहिए होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। जब मैं बात करता हूं ना स्मार्ट वर्क, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मुझे कितने नंबर चाहिए, मैंने कैसे तैयारी करनी है, मेरा पूरे साल का स्केड्यूल कैसे बनेगा, मुझे पहले 2 महीनों में 3 महीनों में क्या करना है, अगले 2 महीनों में क्या करना है, अगले 4 महीनों में क्या करना है। मुझे पूरे साल का एक प्लान मिल जाए ना, तो मुझे समझ आ जाए कि पूरे साल के बाद एट द एंड ऑफ द डे मैं कहां पर खड़ा हूंगा। राइट, ये बहुत आसान काम है। अच्छा जी, आप ऐसा करें, 2 महीने पहले ये पढ़ने, उसके बाद 4 महीने ये पढ़ने, किसी से पूछ लिया होगा अच्छा यार ऐसा करो पाकिस्तान हार्ड कंट्री एनाटोल लीवन की वो किताब पढ़ लो, अच्छा जी आप पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट पढ़ना शुरू कर दो डॉक्टर मिलिहा लोधी की, सारी अपनी अपनी बातें बताएंगे।
लेकिन आपको यह बात कोई नहीं बताएगा कि अच्छा भाई पूरी किताब नहीं पढ़ी जाती, उन किताबों में एक या दो चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको रेफर करने पड़ते हैं या आपको हेल्प करते हैं अपने पूरे के पूरे आर्गुमेंट की बिल्डअप करने के लिए, राइट। तो इस सारे के सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते वक्त, राइट, इसको समझते वक्त फिर हमको हम आपको जो चीजें समझाएंगे ना वो चीजें बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली हैं आपके लिए। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट में आपके साथ स्टार्ट करता हूं अंडरस्टैंड करवाना। अगर आप अपनी डिजायर्ड एलोकेशन लेना चाहते हैं ना, देखिए एक होता है एलोकेशन, एक होती है डिजायर्ड एलोकेशन। एलोकेशन है हमारे पास 12 ग्रुप्स हैं, उनमें से जहां मर्जी आ जाएं। डिजायर्ड एलोकेशन ये है कि हम अपने पास टॉप 3 ग्रुप्स में, इधर आ जाए, हमारे पास जो टॉप 3 ग्रुप्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे अपने डिजायर्ड ग्रुप्स में आते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इधर से आ जाए कोई मसला नहीं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान हो गया, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान हो गया, ये जो 3 आपके पास ग्रुप्स हैं ये डिजायर्ड ग्रुप्स हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की, राइट। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने रेलवे को टॉप पे रखा हो। हाँ, एलोकेट अगर वो रेलवे में हुआ है ना तो उसकी टॉप प्रेफरेंस या पीएस थी या पीएसपी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलोकेट किधर हुआ, जाके रेलवे में। इंडिया से ना हमारा सीएसएस का सिस्टम यही फर्क है। इंडिया के अंदर अगर आपने पाकिस्तान इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर आपने जाना है तो आपकी एलोकेशन अगर आईएएस में नहीं हुई तो फिर आपको किसी और ग्रुप में नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको आईपीएस में डाल दिया उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर या कस्टम्स में डाल दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए उनकी ब्यूरोक्रेसी जो होती है ना वो स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी आती है, यानी जो बंदा रेलवे में जाना चाहता है ना वहां पे वो रेलवे में ही जाता है। हमारी तरह नहीं है कि अगर पीएस टॉप पे रखा तो पुलिस में आ जाओ, नहीं तो कस्टम में तो डाल दो, नहीं तो अच्छा भाई इसको पोस्टल में तो फेंक ही दो ना। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सर्विंग इन पोस्टल एंड रेलवे नेवर वांटेड टू सर्व इन पोस्टल एंड रेलवे, दे ऑलवेज वांटेड टू सर्व इन आदर पीएस, पीएसपी और फॉरेन सर्विस, राइट। प्रॉब्लम ये, दैट इज व्हाई ये जो डिपार्टमेंट्स हैं हमेशा नीचे रहे हैं, क्योंकि यहां के लोग काम करना चाहते ही नहीं है क्योंकि उनके एलोकेशन ऐसी जगह पे हो गई है जहां पे वो डिजायर्ड थे ही नहीं। दैट इज व्हाई दीस सिस्टम्स, दीस डिपार्टमेंट्स हैज ऑलवेज बीन इन द लोअर ग्रुप्स। इसीलिए मैं आपको बात बताता हूं कि अगर हमने एलोकेशन लेनी है ना तो टॉप 3 को हमने फोकस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ करे कि बाकी ग्रुप्स जो है वो शूदर है, राइट, वो ग्रुप्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमेशा यू ऑलवेज जो है ना वो जो है वो आपके पास आपका जो ड्रीम होना चाहिए वो हमेशा अप टू द स्काई होना चाहिए। सोचने में और ड्रीम करने में कोई परेशानी नहीं, इसका कोई बिल नहीं आता, राइट। इसलिए सोचना इंसान को बड़ा ही ज्यादा चाहिए, बाद में चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। खैर, टॉप 3 ग्रुप्स में अगर आपकी एलोकेशन आपने लेनी है ना तो ये 720 का मैंने फिगर जो लिखा हुआ है ना, आपको अपने रिटर्न के अंदर ये नंबर अचीव करना पड़ेगा। अगर आप अपनी डिजायर्ड एलोकेशन लेना चाहते हैं जिसमें टॉप 3 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप उनमें जाना चाहते हैं तो आपको रिटर्न के अंदर 720 के करीब करीब स्कोर करना पड़ेगा, तो आपकी डिजायर्ड एलोकेशन 95% आपकी जेब में है। मेरी बात समझ आती है? 720 का स्कोर, क्योंकि 720 कैसा स्कोर है, अगर आप ये अचीव कर लेते हैं ना तो 95% एलोकेशन आपकी कंफर्म है, अनलेस एंड अंटिल आप कोई इंटरव्यू में इतना बड़ा ब्लंडर मारें, राइट, कि वो आपको इंटरव्यू में फेल कर दे। मेरी बात समझ आती है? मैंने अपने टॉप 3 ग्रुप्स के अंदर, राइट, जो भी लोग एलोकेट होते देखे हैं ना उनका स्कोर इसके इर्द गिर्द ही देखा है। मेरी बात समझ आती? क्या इससे कम आ जाए तो एलोकेशन इन टॉप 3 में हो सकती है? हो सकती है, लेकिन उसका एक नुकसान पता क्या होगा, आपको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे फिर। अब इंटरव्यू टोटल नंबर 300 का होता है और ऑन एवरेज अभी आपके पास कल जो रिजल्ट आया आप उनके एवरेज निकाल के देख लीजिएगा इंटरव्यू स्कोर कितना आ गया। आपका इंटरव्यू का स्कोर हमेशा 125 से लेकर 145 के दरमियान में आता है। दिस इज द एवरेज स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट हु अपीयर्स इन सीएसएस इंटरव्यू, एवरेज, राइट। अब प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें, आप यहां से जितना नीचे जाएंगे ना आपको यहां से इतना ऊपर जाना पड़ेगा, सिंपल गेम है। वहां से 10 नंबर कम करवा लिए आपने अपने, 710 पे आ गए, यहां 155 पे आओगे। फिर वहां से आपने 20 नंबर कम किए तो फिर यहां से 165 पे जाओगे। जितना आप यहां से नीचे जाते जाओगे ना इतना आपको यहां से ऊपर जाना पड़ेगा। और ये जो है ना ये गैम्बल है, ये दिन दिन की बात है। कभी कभार सवाल ऐसा आ जाता है जो आता होता है और सवाल का जवाब बता देता है, कभी कभार वो दिन नहीं होता, राइट, और सवाल का जवाब नहीं आ रहा होता। कभी कभार पूछ ही ऐसे सवाल लेता है जो शायद आपकी तैयारी से बियॉन्ड होते हैं। और कभी कभार दिन होता है ऐसा कि वो सवाल हमेशा वो भी पूछ लेता है जो कि बेसिकली जो आपने क्या किया होता है, तैयार किया होता है। लोग कहते हैं कि सर नहीं नहीं मेहनत की बात होती, मैं कहता हूं मेहनत तो होती है, दिन का होना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स का दिन नहीं होता जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। और मैं हमेशा दिन होने की ना एग्जांपल क्रिकेट से दिया करता हूं क्योंकि मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक है और आपको भी शायद समझ आएगी। मुझे लगता है कि जब इंसान का बैट्समैन का दिन होता है ना तो जहां बॉल पड़ती है इंसान वहां बैट नहीं घूमता,
जब दिन होता है ना, जहां इंसान बैट को मारता है ना, गेंद उधर ही पड़ती है, वो दिन होता है, वो आउटसाइड एज पे भी छक्के हो रहे होते हैं उसमें, वो पता चल रहा होता है कि यार आज क्या है, आज दिन है, आज इंसान आंखें बंद करके भी शॉट मारेगा तो छह होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो है किस्मत की बात। तो मैं किस्मत पे खेलूंगा जरूर, लेकिन अगर मेरी जेब में इतने नंबर होंगे ना, तो मैं किस्मत पे खेल भी जाऊं तो मैं 5-7 सवाल ड्रॉप करना भी अफोर्ड करता हूं। 125 to 145 मींस के मैंने 5-7 सवाल ड्रॉप किए अपने इंटरव्यू में, मैं अफोर्ड करता हूं 5-7 सवाल ड्रॉप करना अगर मेरा 720 का स्कोर है। लेकिन मैं फिर 5-7 सवाल ड्रॉप करना अफोर्ड नहीं करता, मैं जितना यहां से नीचे आता जाऊं। मेरी बात समझ आती? अब मुझे ये बात पता है और आपको भी बात पता है कि 720 लिखना बहुत आसान है, राइट, और अचीव करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको थोड़ा सा आसान करूं आपके लिए, ताकि आपको समझ आए कि ये अचीव कैसे होगा। मुझे पता है कि मेरे 12 सब्जेक्ट्स हैं, राइट, और अगर मैं हर सब्जेक्ट के अंदर 60 नंबर स्कोर करूं ना, तो मैं 720 पे पहुंच जाऊंगा। मेरी बात समझ आती है? अब यहां से शुरू होती है स्मार्ट तैयारी। मुझे अब यह कंफर्म हो गया है कि मुझे 720 नंबर चाहिए, और मुझे अब यह भी कंफर्म हो गया है कि मुझे 720 के लिए हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, 60। अगर मैं हर सब्जेक्ट का 60-60 एवरेज अचीव करता जाऊं, किसी सब्जेक्ट में ना क्रॉस करूं मैं 70, मैं फिर भी 720 पे पहुंच जाऊंगा और मेरी एलोकेशन कंफर्म। यहां मुझे अब स्मार्ट तैयारी की जरूरत है। मुझे कोई बंदा इतना समझा दे कि एक सब्जेक्ट में 60 नंबर लेते कैसे, मुझे कोई इतना समझा दे कि क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, एग्जामिनर क्या डिमांड करता है, राइट, कितने सफे का आंसर लिखना होता है, क्या लिखना होता है आंसर के अंदर। अगर उसने सवाल पूछ लिया है पाकिस्तान अफेयर्स का, राइट, तो उसमें क्या लिखना है, और अगर वही सवाल उसने करंट अफेयर्स में पूछ लिया है तो मुझे क्या लिखना है। हमारे असातिज़ा का सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है आजकल अकेडमीज के अंदर, प्रॉब्लम ये चल रही है, क्योंकि जब से पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स का सिलेबस एक जैसा हुआ है ना, एक जैसा का मतलब आपको पता है कि पाकिस्तान अफेयर्स का अब पेपर ज्यादातर 1947 के बाद से आता है, पेपर ज्यादातर 1947 के बाद से, स्टूडेंट ने भी और टीचर ने भी ना पाकिस्तान अफेयर्स को पाकिस्तान अफेयर्स के हिसाब से पढ़ाना छोड़ दिया है। अब हम तैयारी पता कब कैसे करते हैं, हम करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, राइट, और वही सवाल अज्यूम कर लेते हैं कि यही सवाल आएगा किसमें, पाकिस्तान अफेयर्स में भी, राइट, और फिर कोई हमें यह नहीं बताता कि अच्छा अगर ये सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में आ गया तो मुझे क्या लिखना है, और अगर ये सवाल करंट अफेयर्स में आ गया तो मुझे क्या लिखना है। दो साल जो ये जो सीएसएस हुआ, इससे पिछला सीएसएस आप निकाल कर देखिए, स्टूडेंट्स के नंबर कितने आ रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, 7, 8, 12। मेरी बात समझ आती है? पूरे पेपर के अंदर इतने नंबर आ रहे हैं, अल्टीमेटली क्यों नंबर आ रहे हैं इतने नंबर। स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मैं कसम खाने को तैयार हूं, मेरे तो 12 तो एमसीक्यू ठीक है और मेरे टोटल नंबर ही 12 है। इसका मतलब उसने पूरे पेपर में मुझे बाकी कितने नंबर दिए, 0। तो सर कहां गलती की है मैंने, राइट, और मैंने कहा मैं तब बताता हूं आपको कहां गलती की है आपने। गलती ये आ रही है कि स्टूडेंट को ये कोई बता नहीं रहा कि पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को हल करते वक्त और करंट अफेयर्स के पेपर को हल करते वक्त डिफरेंस कहां क्रिएट करते हैं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि राइट अ नोट ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये मैं आप सवाल पूछूं पाकिस्तान अफेयर्स में, और यही सवाल मैं पूछूं आपसे राइट अ नोट ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर करंट अफेयर्स में, और अगर आपके जहन में अभी तक ये क्लियर नहीं ना हो रहा कि दोनों में डिफरेंस कहां से क्रिएट करूंगा मैं, तो इसका मतलब है कि आपको तैयारी की वाकई जरूरत है। यही बात समझाने के लिए आपको यहां आना है, और यही बात हमने आपको समझानी है कि डिफरेंस क्रिएट करते कैसे, नंबर कैसे लेने हैं, गेम सारी नंबर्स की, एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट, पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है। 390 लोग पास हुए थे ना, 240 एलोकेट हुए, 150 घर चले गए अपने, नॉन एलोकेटेड रह गए, राइट, वो पास भी हुए, इंटरव्यू भी क्लियर किया, नॉन एलोकेटेड रह गए, दे आर बैक टू जीरो। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा और उनका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, नहीं, दे हैव टू क्लियर द रिटर्न पार्ट वंस अगेन। इसलिए उन 150 में नहीं आना है हमने, उन 240 में आना है हमने। तो गेम में वही समझा रहा था आपको जो मैं पहली लाइन बताई थी आपको, गेम पास होने की नहीं है, जो यहां पर आपने आना है, आपने अगर एलोकेट होना है ना तो फिर आपने आना है। पास होने के लिए आप नोट्स किसी के पढ़ लें, पास होने के लिए गाइड्स बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े पब्लिशर्स ने गाइड्स जो है वो पब्लिश की हुई है, राइट, किसी के पास पेपर्स सॉल्व कर किए हुए हैं, वो उठा लें, उनको पढ़ लें, 600 नंबर ले लें और पास हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम पता फिर क्या होगा, फिर आप खुद डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। प्रॉब्लम शुरू में अगर खुदा ना खासा इंसान फेल हो जाए ना तो दुख होता है, लेकिन दुख ज्यादा पता कब होता है, उन 150 को होता है जो आखिर तक दौड़े हैं, सबके साथ दौड़े हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइन क्रॉस नहीं कर सके। तो यू डोंट हैव टू बी इन दोज 150,
dream to be in those 240. And in those 240, right, you have to dream to be in the top 30. Because if you are in the top 30, you will get your desired allocations. And for that, you need to come here and you need to understand ki mujhe kya chahiye. Yahan se baat clear hogi. Isliye mujhe subah thoda sa drana jo tha na zaruri isliye tha ki sabas baag nahi dikhane hai mujhe aap. Mujhe aapko ye batana hai ki aage road bumpy zarur hai. Aage road jo hai wo pareshan kun zarur hai. Lekin ek meri baat ko yaad rakhiyega. Choti si baat understand kijiyega. Jo insaan K2 pe chadhta hai na, wo ye soch ke chadhta hai ki main slip bhi hunga. Barfbari bhi hogi. हो सकता है मैं वापस भी ना हूं, लेकिन पता है वो क्यों चढ़ता है K2 के ऊपर? क्योंकि उसको पता है कि जब वो K2 के टॉप पे पहुंचेगा ना, वो सब भूल जाएगा कि कितने लोगों ने डिस्करेज किया, कितनी दफा मैं स्लिप हुआ, कितनी दफा तोड़े गिरे, कितनी दफा मुझे लगा कि मैं नहीं K2 के ऊपर चढ़ सकता. यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. कितनी स्लीपलेस नाइट्स थी, कितने लोगों ने डिस्करेज किया, कितनी दफा मुझे लगा कि मुझसे CSS नहीं होना, कितने डिप्रेशन एंग्जाइटी के अटैक्स हुए, कितने दोस्तों की शादियां छोड़नी पड़ी और सालगिरह छोड़नी पड़ी, राइट, और गालियां भी खानी पड़ी सबसे, डीमोटिवेट भी किया बड़े लोगों ने मुझे, राइट, किसी दोस्त ने जनाब दो सवाल कर लिए मुझसे नहीं हुए, मुझे खुद डीमोटिवेशन होना शुरू किया, यार इसको समझ आ रही है मुझे क्यों नहीं आ रही. वो सब कुछ आप एक सेकंड में भूल जाएंगे. सेम लाइक आपने रोजा रखा सारा दिन बड़ा लगा, अफतारी के टाइम आपने पहला घूंट आपने अंदर आपके जब गया ना, आपको याद ही नहीं है कि सारे दिन कितना भूख लगी रही है आपको. आप भूल गए एक सेकंड के अंदर कि आपको कितना रोजा लगा था. और यही है CSS का गेम. इसलिए बंपी रोड है, डिप्रेशन भी होगा आपको, एंग्जाइटी भी होगी आपको, परेशानियां भी होंगी आपको, आपको बड़ा कुछ छोड़ना भी पड़ेगा. लेकिन प्लीज एक बात याद रखिएगा, चलते जाइएगा, राइट, रुकना नहीं. और जैसे चलना कैसे है वो हमने आपको बताना है. मेरी बात समझ आती है? तो इसलिए शुरू के डराने धमकाने वाले काम जो थे वो मैंने कर लिए. ये समझाना बड़ा जरूरी था, क्योंकि जब आपको ये समझ आ जाए ना, तो आपको समझ आएगी कि हाँ अब मैं मोटिवेटेड हूँ, अब मुझे करना क्या है. अब आप मुझे ये समझाएं कि मुझे करना क्या है. अब आते हैं असल गेम के ऊपर कि आपको करना क्या है. आपके पास ना इस वक्त, आज की तारीख अगर मैं 10 जून निकालूं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, राइट, आपके पास टोटल 7.5 महीने हैं. अगर आपने CSS 24 के लिए अप्लाई करना है, तो ये CSS 24 के लिए आपने जो है वो पेपर देने हैं. क्या 7.5 महीने मेरी तैयारी के लिए इनफ है? बिल्कुल इनफ है, राइट. तो क्या मुझे 7.5 महीने कैसे डिवाइड करने हैं? 7.5 महीने बड़े आराम से भी डिवाइड हो सकते हैं. मेरा अपना जाती ओपिनियन ये है कि अगर आपको एक पूरे 7.5 महीने का, या पूरे साल का, या 5 महीने का, या 6 महीने का एक आपको प्लान मिल जाए ना, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती और आसान हो भी जाएंगी. हम आपको करेंगे क्या, हम आपको पूरा स्केड्यूल बनाकर देंगे, राइट, कि आपने करना क्या, आपने इतना सा स्केड्यूलिंग करनी. हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा, क्योंकि टेस्ट जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि आपकी तैयारी कितनी है. और यहाँ पे हमारे हालात इस तरह के हैं स्टूडेंट्स के कि पहली क्लास में बड़े मोटिवेटेड होते हैं, सर टेस्ट लें. और आज मैंने कल जो है ना छठा टेस्ट लिया अपने सब्जेक्ट का, और जब छठा टेस्ट भी आया ना, तो स्टूडेंट्स की तादाद भी आधी होगी, ठीक है, क्योंकि सर हमें डिप्रेशन एंग्जाइटी होना शुरू हो गई है, हमें लग रहा है कि अब हमें थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी, सर घर में थोड़ा मसला चल गया, सर मेरा गिट्टा निकल गया, सर मेरी आंख निकल गई, राइट. बड़े मसले होते हैं हर स्टूडेंट को, मैं 8 साल से देख रहा हूँ, राइट. तो इसलिए आपने जरा मोटिवेटेड रहना है, मसले मसाइल होंगे लेकिन फोकस पे रहना है. करना क्या है? आपको पता है 600 नंबर आपके कंपलसरी के हैं. उन 600 नंबर्स के अंदर आपके पास एक एसे, एक प्रेसी. अब मैं रियलिज्म की बात करता हूं, रियलिस्टिक बात करता हूं. रियलिस्टिक बात यह है कि अगर मैं एसे में पास हो गया, राइट, तो अगर एवरेज में निकालू ना स्टूडेंट्स की, तो मुझे पता है कि मेरी एवरेज ना 40-45 के करीब एवरेज आती है. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 50-55-70, अल्लाह करे आपके 80 भी आए, ठीक है. लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो एवरेज स्कोर्स आ रहे हैं अल्टीमेटली 40-45-50 के करीब जा रहे हैं एवरेज स्कोर्स की अगर मैं बात करूं. सेम गोस फॉर प्रेसी. प्रेसी के अंदर भी आप 45-50 के करीब जा रहे हैं. मेरी बात समझ आती है? लेकिन मुझे चाहिए पता कितने थे? 60. मेरी बात समझ आ रही है? मैं पास हूं इधर, लेकिन डेफिसिट कितने का है? 15 नंबर का. मैं इधर भी पास हूं, डेफिसिट कितने का आ गया? 10 का. मैं दोनों में पास हूं लेकिन डेफिसिट कितना है? 25 का. मुझे 25 नंबर कहीं से पूरे करने हैं. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे चाहिए जो मुझे 75 नहीं, ताकि मेरे पास वो जो 12 14 15 नंबर मुझे दो सब्जेक्ट्स में ऊपर के एक्स्ट्रा मिले हैं, वो नंबर मैं यहां पे एडजस्ट करूं और मेरे वो एवरेज पूरी हो जाए. ये है स्मार्ट थियरी कि मुझे पता है कि मैं प्रेसी में जितनी मर्जी मेहनत कर लूं तो मैंने 50 ही लेने हैं. तो फिर मैं ऐसा करता हूं कि प्रेसी को 50 तक रखता हूं,
कोई एक सब्जेक्ट जो मेरा 65 वाला है उसको उठा के 75 पे लेके जाता हूं, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट भी है, मुझे वो समझ भी आता है, राइट, उसमें मैं मेहनत करने में मेरा दिल भी करता है, तो मैं क्यों ना वो सब्जेक्ट 65 टू 75 पे ले जाऊं और जो 10 नंबर में वहां से कमाऊं वो मैं यहां प्रेसी पे क्या करूं, फिल कर दूं। मेरी बात समझ आती है? तो ये स्मार्ट जो तैयारी करनी है ना हमने, जो स्मार्ट वे के अंदर लेकर चीजें चलनी है, इन चीजों को फोकस करने की जरूरत। अब स्टूडेंट गलती एक और कहां करता है, स्टूडेंट को किसी ने बात समझाई हुई है कि ये जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, करंट अफेयर्स का पेपर है और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, इन तीनों को ना कलेक्टिवली कहते हैं जनरल नॉलेज। तीन पेपर हैं, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस एंड एबिलिटी, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड जनरल नॉलेज। जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है ना, इसमें आपको पास होने के लिए कलेक्टिवली 120 नंबर चाहिए होते हैं, कलेक्टिवली 120। यानी अगर मेरे पाकिस्तान अफेयर्स में 80 नंबर आ गए, करंट अफेयर्स में 40 नंबर आ गए और जनरल साइंस एबिलिटी में मेरा जीरो भी आ गया तो भी मैं पास हूं तीनों के अंदर। मेरी बात समझ आती है? और स्टूडेंट यही गलती करता है सबसे पहले, वो कहता है मुझे पास होने के लिए 120 चाहिए, एक काम करता हूं इन दोनों में से किसी में 50-50 रखता हूं और एक में मेरे 20 भी आ गए तो मैं पास हो जाऊंगा। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान अफेयर में किसी के 12 आ रहे हैं, किसी के 14 आ रहे हैं, तो फेल क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं फेल हुए ना क्योंकि उनके यहां पर मिला के 120 पूरे हो रहे थे। अब प्रॉब्लम यह है कि 120 तो आपने ले लिए हैं, पास तो आप हो गए हैं, चाहिए कितने थे आपको? 180। मार्जिन और नीचे आता जा रहा है आपका, आप पास होते जा रहे हैं लेकिन एलोकेट नहीं होते जा रहे। मेरी बात समझ आती है? तो मुझे यहां पर 60 चाहिए था लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हो रही, मैं पास हो गया हूं सर। अब यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, स्टूडेंट्स को ये दिमाग में बैठ गया है उनके कि मुझे पास होने के लिए 120 नंबर चाहिए। जी सर, आपको पास होने के लिए 120 नंबर चाहिए, एलोकेट होने के लिए 180 चाहिए। ये बात शुरू में क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, दिस इज नॉट पास फेल, दिस इज एलोकेशन, राइट? यू विल पास एट 120 बट यू विल नॉट बी एलोकेटेड एट 120। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए होते हैं। मेरी बात समझ आती? आप 33 सारे पूरे कर लें, वहां 40 पूरे कर लें, एलोकेट नहीं होंगे। सर वो एडमिशन लेने के लिए ना मिनिमम CGPA चाहिए था 3.0, सीटें कितनी थी? 100। सर मैं 3.2 है, मैं फिर भी पास नहीं हुआ क्योंकि सर सारी सीटें 3.7 वाले तक खत्म हो गई। मिनिमम रिक्वायरमेंट 3.0 थी ना, एलोकेशन तो कंफर्म नहीं हुई है 3.0 पे। 600 नंबर आपको चाहिए अगर आपने इंटरव्यू की तरफ जाना है, 600 नंबर अगर आपके आ भी जाते हैं तो इंटरव्यू की कॉल आएगी, आपको एलोकेशन नहीं हो रही है क्योंकि 600 से ऊपर आपके बहुत स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब आप तो 600 की बात कर रहे हैं ना, चले मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। यहां पर तो अब आप BMCs देखिएगा स्टूडेंट्स की, आपको तब समझ आएगा कि एक एक नंबर के ऊपर 4-4 स्टूडेंट बैठे होते हैं। मेरे पास DMCs पढ़ी है, मेरे 4 स्टूडेंट्स, चारों स्टूडेंट्स के टोटल नंबर है 806 इंटरव्यू और जो है सब्जेक्टिव पोर्शन मिलाकर 806, चारों स्टूडेंट्स के 806, उसमें से 2 इनकम टैक्स में, 2 ऑफिस मैनेजमेंट में। नंबर दोनों के सेम है, चारों के सेम है। अगर सबके नंबर सेम हो जाए तो फिर एज वाइज एलोकेशन हो जाती है, जिसकी एज एक दिन भी ज्यादा होती है ना दूसरे से, वो नंबर 1 होता है, दूसरा नंबर 2, 3, 4। इसमें से किसी एक का भी 807 होता ना तो वो OMG की बजाय किसमें होता? इनकम टैक्स में, एज असिस्टेंट कमिश्नर। एक नंबर की अहमियत आप उस बंदे से कहें जो एक नंबर से DMG से कस्टम में चला गया, और वो भी हमारा अपना स्टूडेंट ही है, हमारे पास यहां पे पढ़ाता भी है, अब जो हमारे पास कस्टम का टॉपर है, राइट? एक नंबर कम है उसका DMG के एलोकेशन से, वो कस्टम का टॉपर है। लेकिन मेरा ख्याल अगर आपसे पूछे ना कि सर आपको एक नंबर अगर चाहिए हो तो आप कुछ हमें उसके बदले में देंगे, यार जो चाहिए ले लो मेरे। मेरी बात समझ आती है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि ये गेम है एक एक नंबर की, और एक एक नंबर पे खेलना है आपको, उन 1200 में से एक एक नंबर के लिए खेलना है आपको। एलोकेशन एक एक नंबर पे रहती है। एक स्टूडेंट है पंजाब का जो 162 पे नॉन एलोकेटेड है, 161 वाला एलोकेटेड है, 162 वाला नॉन एलोकेटेड है। नंबर कितने का फर्क है? एक का। वो एक नंबर से नॉन एलोकेटेड हो गया और एक नंबर से वो एलोकेट हो गया। अब मुझे कहा सर एक नंबर की तो खैर है, एक नंबर की कोई खैर नहीं। ये मेरी बात समझ आती है? तो स्मार्ट तैयारी करने की जरूरत है आपको, और 60 नंबर लेने आपने एट दी एंड ऑफ द डे हर सब्जेक्ट में। 60 नंबर आते जाएंगे, पास होते जाएंगे, एलोकेशन भी होती जाएगी। मेरी बात समझ आती है? अब सवाल ये आता है कि 60 नंबर लेने के लिए
60 नंबर लेने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, मैडम डिटेल में आपको बताएंगे उस चीज की। अब 60 नंबर लेने के लिए ना तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चाहिए ना आपको, एक चीज आपको किसी बंदे ने अगर ये सिखा दिया और आपने सीख लिया तो आपके लिए आसान है। वो काम क्या है, आपको इंटरडिसिप्लिनरी लिखने की आदत होनी चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि आपको एक सब्जेक्ट के नॉलेज में ना मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज ऐड करना है, ताकि एग्जामिनर को ये समझ आए कि इस बंदे ने जो ये चीज लिखी हुई है ना, ये मैंने पहले नहीं पढ़ी। मेरी बात समझ आती है? क्या मैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज करंट अफेयर्स में लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। क्या मैं पॉलिटिकल साइंस के आइडियाज पाकिस्तान अफेयर्स में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या करंट अफेयर्स की बातें मैं पॉलिटिकल साइंस में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या मैं पॉलिटिकल साइंस में राइट अल्टीमेटली जेंडर स्टडीज की बात लिख सकता हूं? अगर फिट होती है लिख सकता हूं। क्या मैं इस्लामियात अगर ऑप्ट कर रहा हूं तो इस्लामियात के अंदर मैं किसी और रिलीजन की कोई बात लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या मैं पाकिस्तान अफेयर्स में कोई हदीस लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। मुझे किसने मना किया है? क्यों आप एक सब्जेक्ट के नॉलेज को सिर्फ एक सब्जेक्ट तक महदूद कर देते हैं? क्यों आप करंट अफेयर्स की चीजों को पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स वाले की चीज को आप ऐसे में नहीं डालते? ऐसे वाले को क्या पता जिसने पेपर चेक करना है कि यार ये जो इसने लिखा हुआ है ना, ये इसने अल्लाह के वली ने भी पाकिस्तान अफेयर्स में भी लिखना है? और पाकिस्तान अफेयर्स वाले को क्या पता कि अल्लाह का वली अभी करंट अफेयर्स में ही लिख के आया है? उसके लिए तो डिफरेंट अप्रोच है ना, उसको तो डिफरेंट नॉलेज समझ आया कि यार ये तो बड़ी डिफरेंट बात की है जो कि बाकी सबने नहीं की हुई। इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी लिखना। मेरी बात समझ आती है? एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक तरफ आपके पास कॉन्सेप्ट है राइट, करंट अफेयर्स में आ गया, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग का। चलो यहां से एग्जांपल देता हूं, ग्लोबल वार्मिंग। मैं आपसे पूछूं तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हैं? आप कैसे ग्लोबल वार्मिंग से ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से आपके पास ओवरऑल जो है जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज कर रहे हैं, राइट? ग्लोबल वार्मिंग से आपके पास जो है ना वो टेम्परेचर राइज करने की वजह से हमारा वेदर पैटर्न इरेगुलर हो गया। मेरी बात समझ आती? वो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग से हमारे पास मेल्टिंग ऑफ आइस ज्यादा हो रही है, ये बातें कर रहे हैं आप, सारी बातें बिल्कुल ठीक। मेरे पास एक पेपर आया है और उसमें ना उस स्टूडेंट ने लिखा हुआ है कि ग्लोबल वार्मिंग से ना दुनिया में क्राइम रेट इंक्रीज कर गया है। अब क्राइम रेट इंक्रीज करने वाली जो आइडिया है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट आइडिया है जो कि बाकी बंदा नहीं लिख रहा है। और उसने एग्जाम्पल में मुझे ये समझाया है कि एक साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान को ना अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बेटर परफॉर्म करने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। अगर उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, टेम्परेचर कमरे का थोड़ा सा ज्यादा या कम है, राइट, या ओवरऑल एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, तो उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया का टेम्परेचर राइज कर रहा है, इससे एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं हो रही, लोगों के माइंड पे उसका इफेक्ट हो रहा है, कुछ लोग उसमें से उस माइंड के इफेक्ट की वजह से किधर मूव कर रहे हैं, क्राइम की तरफ। उसने साइकोलॉजी के एक आइडिया को उठाया और उसने करंट अफेयर्स में डाल के ना उसको जस्टिफाई कर दिया। एग्जामिनर कहता है यार तो बिल्कुल डिफरेंट बात की है। ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी लिखना, ये वो चीज होती है जो नंबर देती है। वरना किताबें सेम, टीचर सेम, आइडियाज सेम, कहां से नंबर क्रिएट करोगे डिफरेंट, कहां एक नंबर एक्स्ट्रा लेकर आओगे? फिर मेरी बात समझ आती है? तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, इंटरडिसिप्लिनरी बातें करनी पड़ती हैं थोड़ी सी, जो के बड़ी जरूरी है। मेरी बात समझ आती है? मैं आपको बताएंगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी कैसे लिखते हैं, और उसकी मजीद डिटेल आपको मैडम बताएंगी, क्योंकि मैडम जो है इस चीज को ज्यादा बेहतर जो है वो समझती हैं, समझा भी ज्यादा बेहतर पाएंगी आपको सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट में। 60 नंबर कैसे लेने, राइट, गेम उसके ऊपर है, फोकस आपने उसी पर रखना है हर सब्जेक्ट में, राइट। थोड़ी सी बातें मैं करूंगा, फिर अब मैडम की तरफ में जाऊंगा, मैडम उसके ऊपर थोड़ी सी बातें करेगी, फिर मैं वापस आपको उस चीज को बताऊंगा। जी मैडम, मेरी बात हमेशा स्टार्ट होती है विद योर इंट्रोडक्शंस। मैंने पहले भी ये बात की थी बट मैंने किया नहीं था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तूफान में फंसे हुए थे, जो कि तूफान सडनली जो है वो आ गया था। तो मैं बात स्टार्ट करूंगी तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी कि लेट्स टॉक अबाउट यू गाइस। हम कैंपस के स्टूडेंट्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप लोग पहुंच गए यहाँ पे। बताएं थोड़ा सा अपने बारे में कि आप कौन है, आपका क्या मेजर्स थे, एंड इज इट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, and what pushes you towards this? आप से start करते हैं। ठीक है, first attempt
आपका जी वाला ओके जी फर्स्ट टाइम ठीक है फ्रॉम ओके एंड फर्स्ट टाइम आप इकट्ठे हैं अच्छा अच्छा जी ठीक है क्या मेजर थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक है गुड जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है कहाँ पर हैं आप एफजे ओके जी माय नेम इज मोहम्मद अफीफ एंड आई एम फ्रॉम केमिस्ट्री एंड टीचिंग एट ठीक है जी फर्स्ट अटेम्प्ट जी ठीक है जी ठीक है जी एंड ओके फर्स्ट अटेम्प्ट ठीक है जी ठीक है जी आप भी इकट्ठे हैं आपने कहा कि जा ही रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट से भी किसी को ले चलें तुम भी सीएसएस कर दो ठीक है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के भी मैं चैट बॉक्स में देखती जा रही हूँ आप भी फील फ्री टू ड्रॉप इट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये भी है कि आप लोगों की अटेम्प्ट कौन सी है यहाँ पे सबकी फर्स्ट अटेम्प्ट है ओके सेकेंड ओके और ऑनलाइन में भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही है यस यू कैन आस्क क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछने पे कोई सेंसरशिप नहीं है इट्स जस्ट दैट क्वेश्चंस पे हम थोड़ा ठहर के आएंगे आपका एज एन ऑडियंस एक अंदाजा हो गया है ना अब मैं आपकी तरह से बात करूंगी फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्योंकि आप हैं तो आप अभी बहुत सारी उम्मीदें लेके आए होंगे राइट और कंसिडरिंग के जो आपके बैकग्राउंड या अभी अटेम्प्ट का स्टेटस है आपका सबसे ज्यादा मसला भी यही इंटरडिसिप्लिनरी राइटिंग का ही होगा वी विल गेट बैक टू इट लेटर सबसे बड़ा मसला क्या होता है जो अभी हम करंटली मई के बैच में भी देख रहे हैं इट्स अ वेरी गुड बैच पोटेंशियली आई फील उसमें से दो लोग चार लोग कम से कम लाजमी अच्छे एलोकेट होंगे बट पता है क्या है फर्क है उसमें फर्क सिर्फ ये है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं ना दे आर नॉट गोइंग एज फास्ट एज दोज जो कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं सिर्फ एक वजह ये है कि जो थर्ड अटेम्प्ट वाला है ना उसको पता है कि मैंने हसल करना है ऐसे क्योंकि मेरे पास ऐसा और कोई दूसरा चांस हो गई नहीं मुझे भागना है मुझे दौड़ना है मुझे मर के जी के खुश हो के टीचर जो कह रहे हैं बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है डांट पड़ रही है Whatever, जो भी बात हो रही है ना आई हैव टू गेट माई सेल्फ थ्रू विद इन दिस अटेम्प्ट आई हैव टू गेट माई सेल्फ एलोकेटेड फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का सिर्फ फर्क ये है कि प्रोबेबली दे आर थिंकिंग कुछ फर्क है मसला है कि शायद हमारी कॉमन को स्पेशली देख के कुछ लोगों का आइडिया बना कि सी एस एस बहुत आसानी से हो जाते हैं क्योंकि हमारी कॉमन के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे पोर्ट्रेयल ऐसे दिया कि कोई बात ही नहीं है राइट कुछ गलत फॉल्स नोशंस भी दिए गए
पढ़ना शुरू करने के बाद दे गेट टू नो कि अच्छा बहुत ही मुश्किल है, फिर डिनायल स्टार्ट होता है, फिर ग्रीफ स्टार्ट होता है। ये चीज में एक महीना बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्टर्स वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, नॉट एबल टू कम टू टर्म्स विद द रियलिटी कि क्या करना होता है, ठीक है। मकसद क्या है इस बात का? मकसद सिर्फ ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट ना आप सबकी, मेरी भी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं था, आप खुद को समझ के ऐसे चलें कि मेरी थर्ड अटेम्प्ट ही है, मेरे पास कोई दूसरा चांस नहीं है, दिस इज द ओनली चांस दैट आई हैव गॉट टू गेट माई सेल्फ थ्रू दिस होल सिस्टम। आप ये माइंडसेट लेके चलेंगे तभी आप इससे निकल पाएंगे, ये माइंडसेट नहीं होगा यू विल कीप वेटिंग फॉर एवर एंड एवर। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट के भी कुछ फिर एग्जाम होती हैं। आई नो अ पर्सन, ठीक है, जिन्होंने, जो मुझसे मेडिकल कॉलेज में सीनियर थी और 2018 से उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट की, 2023 में आके वो एलोकेट हुई हैं और स्टेटस लगा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट। दैट इज नॉट अ फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, यू आर वेस्टिंग 5 whole years ऑन इट, ठीक है, ऐसी वाली फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं करनी। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब क्या है? आप अभी कर रहे हो जून में स्टार्ट, तो भाई फरवरी में निकालो इसको। 5 साल घर बैठ के कभी आप पौधे उगा रहे हो, कभी साइकिल चला रहे हो, फिर सीएसएस करते जा रहे हो, डोंट डू इट। गिव योरसेल्फ अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन और डेडलाइंस को फॉलो करने की आदत डालें, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या फिनोमिना आ रहा है इस कॉमन में, हमने ये भी देखा है कि टाइम मैनेजमेंट की बावसन में बात करने लगी हूँ कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा एलोकेट हो रहे हैं, ठीक है, इट इज बोथ अ हैप्पी सिचुएशन एंड अ सैड सिचुएशन एज वेल टू सम एक्सटेंट। लेकिन एलोकेशन का स्टेटस ज्यादा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि शायद इस फील्ड में आपको एज अ स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा डेडलाइंस को फॉलो करने की आदत हो जाती है, आपको 8-10 घंटे किताबों के साथ बैठने की हैबिट हो जाती है, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इतना क्रिटिसिज्म लेने की आदत हो जाती है, आप जो भी करेंगे वैसे भी आपका प्रोफेसर आपको कहेगा कि तुमसे बुरा है ही कोई, ठीक है, आपको गिर के उठने की आदत हो जाती है। दीज आर सर्टेन ट्रेट्स जो कि कोई भी अपने अंदर डिवेलप कर लेगा ना तो काम हो जाएगा, ठीक है, भागने की, चीजों के पीछे पड़ने की जो है वो आदत डालें, ठीक है, डेडिकेटेड माइंडसेट के साथ थोड़ा इस चीज पर चलें। दूसरी चीज ये है कि अब जब इंटरडिसिप्लिनरी राइटिंग की बात होती है ना कि इंटरडिसिप्लिनरी क्यों आपको सबसे ऊपर पहुंचाता है, मैंने अपनी अटेम्प्ट के अलावा जितने भी लोगों को टॉप में आते हुए देखा है ना, दिस इज वन कंसिस्टेंट थीम जो कि नजर आती है स्टूडेंट्स के अंदर कि दे आर एबल टू रिलेट द कॉन्सेप्ट्स टुगेदर, टू वीव देम टुगेदर, ठीक है। इंग्लिश एस्से फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाती भी क्यों हूँ, एस्से पढ़ाना अगर आपने वाकई स्टूडेंट से इंटरेक्ट करा के उनसे आर्गूमेंट निकलवानी है ना, सबसे मुश्किल काम हो जाता है। बट आपको कोई भी टॉपिक आया है, आप स्पेशली जैसे एस्से का पूछ रहे हो या लिटरेरी का भी पूछ रहे हो, ऑब्वियसली देयर इज नो ओवर सिंपलीफाइड आंसर टू दिस, लेकिन हम एक हिंट ले लेते हैं कि क्या होता है बेसिकली। आपको कोई भी टॉपिक आता है, जैसे कि आप कहते हो कि क्लासरूम्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, ठीक है, एक बुरा कैंडिडेट क्या करेगा कि वो एक लीनियर वे में सोचता जा रहा है कि क्लासरूम्स क्या करते हैं, एजुकेशन देते हैं, मजीद एजुकेशन देते हैं, डिसिप्लिन दे देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। Why don't you go back to all your roots? आप अगर सिर्फ अपने पास जो ये pamphlet आपके पास, for example, optionals का ही पड़ा हुआ है, optional subjects के groups हैं जो कि FPSC की website पे भी uploaded हैं। आप अगर इसी को देख के, आपके पास अभी कोई prior knowledge नहीं है, सिर्फ आप यही सोचना शुरू कर दें कि एक 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 subject में से मैं एक एक argument निकालना शुरू तो करूँ, ठीक है। Let's suppose मेरे पास सबसे पहले आपके पास commonly political science का एक subject आता है, तो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में क्लासरूम्स का कैसे आइडिया जोड़ के बनता है, तो क्या बनेगा आर्गुमेंट आपके पास, क्या बनेगा कि क्लासरूम्स जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, सिविक सेंस को बढ़ाते हैं, पीपल गेट टू नो अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज हाउ क्लासरूम्स शेप द डेस्टिनी ऑफ अ नेशन, ठीक है। नंबर टू, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ जाए, क्या बात हो जाएगी कि क्योंकि हम एक कॉस्मोपोलिटन कल्चर का, एक ग्लोबल विलेज का पार्ट बनते जा रहे हैं, Now we are the citizens of the globe, not the citizens of just one nation. Globalized हो गई है दुनिया, तो इस globalized दुनिया के अंदर क्या जरूरत है कि we need to know better कि इस environment का कैसे ज्यादा से ज्यादा maximum potential को utilize किया जा सकता है, this is how this nation will excel at the end of the day. Gender आ गया तो classrooms क्या करेंगी, gender sensitization को promote करेंगी,
इंक्लूसिविटी जो है वो बढ़ जाएगी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. वुमेन की विजिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होगा, विजिबिलिटी की वजह से वुमेन की एम्पावरमेंट भी बढ़ जाएगी. एनवायरमेंटल साइंस आ गया, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग क्या चीज हो जाएगी कि एनवायरमेंट की सेंसिटाइजेशन प्रोड्यूस होगी. इकोलॉजिकली एक बेटर सेंसिटाइज पीपल अवेयर होना और निकलना सामने आना शुरू करेंगे. ठीक है, जब आपके पास एनवायरमेंटली बेटर अवेयर पीपल आना शुरू होंगे तो दे विल नॉट ओनली पार्टिसिपेट इन द होल इकोलॉजिकल आपका जो लेजिस्लेशन है, बल्कि वो इन्फोर्स भी कराएंगे बाय पुटिंग देयर होल अवेयरनेस एंड डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट्स. ठीक है, चलते जाएं, आपके पास लैंग्वेजेस का ग्रुप आ गया तो क्या होगा, लिंग्विस्टिकली आपका जो एक अपार्थाइड एग्जिस्ट करता है, कैसे कि आपके पास जो पोस्ट कॉलोनियल लैंग्वेजेस हैं अंग्रेजी स्पेशली, वो बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो लाइमलाइट में रहती है, आपकी फोक लैंग्वेजेस को वो तवज्जा वो एम्पावरमेंट नहीं मिलती. तो क्लासरूम्स को ये भी रोल प्ले करना होता है कि वो जब फोक लैंग्वेजेस लोकल कल्चर्स को सामने लाएंगे तो उनको बोलने वाले उन कल्चर्स को उन लैंग्वेजेस को प्रैक्टिस करने वालों की एम्पावरमेंट भी होगी. ठीक है, यू विल गेट टू नो कि सिर्फ इंग्लिश या एंग्लिसाइज्ड हीरोज नहीं है. ठीक है, देयर वर सम बलोच हीरोज एज वेल, देयर वर सम सिंधी, सम पख्तूंस एज वेल. ठीक है, कहने का मकसद ये है कि आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल ऑफ इट, वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इफ यू कीप अप्लाइंग द सेम टेक्निक टू ऑल ऑफ योर एसेज एंड द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर दैट मैटर, आपके पास, क्योंकि आप लोगों का बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई आप शायद इस चीज को समझ पाएंगे कि आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी है. ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने इसके बारे में कुछ बात की, आप क्यों नहीं उसको पाक अफेयर्स के अंदर 18th अमेंडमेंट के अंदर लिख रहे, why are you not applying the same concepts interchangeably. ठीक है, आपसे अगर पूछा जाता है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर है, तो सारी अपनी रेगुलर यूजुअल आर्गुमेंट्स लिखने के बाद आप कैसे पॉसिबल है कि ये बात नहीं कर सकते कि मॉन्टेस्क्यू ने भी एक बात की थी, मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेट थ्योरी जिसे कहा जाता था, कि पीपल ऑफ द कोल्डर रीजन्स वहां पर डेमोक्रेसी ज्यादा फ्लरिश करती है, गर्म इलाका जात में यूजली डिक्टेटरशिप रहती है. ठीक है, क्योंकि गर्म इलाकों में प्लेंटीफुल चीजें होती हैं, खेती बाड़ी ईजीली हो जाती है, हर चीज मुयस्सर होती है वाफिर मकदार में, तो लोगों को ज्यादा मेहनत करने की आदत ही नहीं होती, वो लेजी होते हैं, ढप से होते हैं, वहां पे डिक्टेटरशिप्स होती हैं. जैसे कि उसने उस वक्त मिसाल जो दी वो खिलाफत की दी, आज वो मिसाल जो है खिलाफत पे तो नहीं लेकिन मिडल ईस्ट में जरूर जो है वो अप्लाई होती है. मिडल ईस्ट एक गर्म रीजन है, वहां पे रिसोर्सेज की भरमार है, वहां पे कोई डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती, किंग्स हैं वो हमेशा से, एंड पीपल विल नेवर राइज अप के वो आपके पास क्या मांगे, डेमोक्रेसी. जबकि उसने कहा था कि यूके जैसे जो इलाका जात हैं, यूरोप जो है, इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर डेमोक्रेसी टू फ्लरिश, क्योंकि यहाँ के पीपल आर हैबिचुअली इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, क्योंकि वहां पे चीजें रिसोर्सेज मुयस्सर नहीं होते तो वो भागने दौड़ने के आदि लोग हैं, तो डेमोक्रेसी फ्लरिश करती है. समहाउ आपने एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव दे दिया, नाउ गेट टू कोरिलेटेड विद योर ओन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एज वेल. लोकली कोई सवाल दिया जा रहा है तो थिंक ग्लोबली, when you are being made to think globally to think locally as well. इसी तरह सबसे बड़ा सबसे आसान तरीका कि theoretical सवाल आता है तो उसमें कोई ना कोई practical knowledge डाले लाजमी. practical पूछा जा रहा है तो उसका theory के साथ correlation दे दें. क्यों? because let me tell you this कि सर ने अभी आपको बताया कि written में 700 cross करना क्यों जरूरी है. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब सवाल करते हैं ना, एक सवाल होता है 20-20 मार्क्स का हर सब्जेक्ट के अंदर. ठीक है, हर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर का एक एक सवाल आता है. इस 20 नंबर में से ना 6 से 8 नंबर हर कोई लेता है. जिसने भी कोई मार्केट में पढ़ी हुई टेक्स्ट बुक पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए या कुछ नहीं भी पढ़ा, ये 6 नंबर का जो एक फ्लोर है ना, इसको लेना कोई बड़ी बात नहीं होती. इस 8 के ऊपर आपको जब 14 तक पहुंचना है ना, 12 टू 14 की सीलिंग तक, इधर एक एक नंबर लेने के लिए ना एक एक नया थीसिस, एक एक नया एनालिसिस, एक एक एडेड एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन के पॉइंट डालना पड़ता है. नाउ दिस हैपेंस टू बी अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. ठीक है, ये पेनफुल प्रोसेस कैसे होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया,
आपसे एग्जामिनर ने थ्योरी पूछी नहीं, आपने उसको दे दी। कुछ प्रैग्मेटिक रिकमेंडेशंस वो मान नहीं रहा था, आपने दिया। गिव हिम सम वैल्यू, टेल हिम दैट यू डिजर्व टू बी अमंग द टॉप ऑफ द नेशन। 1.8% का रिजल्ट है, इस 1.8% में फॉल करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसके लिए ये डेप्थ ऑफ नॉलेज, ये डेप्थ ऑफ एनालिसिस, कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस थीमेटिक पैदा करने पड़ेंगे। सिर्फ सिलेबस पढ़ने से अब कोई एलोकेट नहीं होता। आई डोंट नो अबाउट प्री 2016 का दौर, 2016 के बाद से एफपीएससी की स्ट्रेटेजी बदल चुकी है। और एक और रेवोल्यूशन आपका इस साल के ऑनवर्ड्स भी आया 2023 में। 23 का जरा पेपर उठा के देखें, एसए का पेपर देख लें, सारा लिटरेरी एसए है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में वो ऐसी ऐसी थ्योरीज पूछ रहा है जो कि ट्रेडिशनली रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट ने नहीं पढ़ी होती, और अकेडमियों में कह दिया जाता है कि ये फिलोसफर तो वैसे ही छोड़ दो, ये कभी पूछा ही नहीं है, तो कभी नहीं पूछा तो अब भी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पढ़ाया जाता ये फिलोसफर्स, ठीक है। एनालिटिकल क्वेश्चन जैसे पूछे जा रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस में इस दफा पूछा गया बड़ा ही खूबसूरत सवाल के व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार्टअप कल्चर एंड हाउ कैन वी प्रमोट द स्टार्टअप कल्चर विद इन पाकिस्तान। इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, ये कहीं सिलेबस में नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये अब आपका, आप कितने अवेयर है ना उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। कुछ लोगों ने भी होशियारी यही लगाई होगी कि थोड़ा बहुत शार्क टैंक देखते होंगे तो वो डाल दिया होगा, उसके अलावा नॉलेज हमारे पास नहीं आ रहा। मैं मानती हूँ कि पॉलिटिकल साइंस या जितने भी, जैसे मैंने शुरू में बात की, ये जितने भी क्लिशेड या यूजुअल सब्जेक्ट्स है ना, ये मार्क्स हमेशा आपको देंगे, फर्स्ट पोजीशन भी दिलवाएंगे अगर आप सही मेहनत कर रहे हैं तो। अगर आप ये वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं ना, एंड यू नो व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स नीड टू बी एडेड, मैंने आपको सिर्फ एक झलक दी है, देयर इज अ लॉट टू इट एज वेल, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई सोने का उतरा हुआ भी सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे ना तो आप नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक्स को पढ़ रहे हैं, जो चीज आपने भी लिखी है, आपने भी लिखी है एग्जामिनर के पास वो इतने स्केल पे एम्पलीफाई होकर सारे पेपर एक दूसरे की फोटोकॉपी आ रही हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो नंबर दे, ठीक है। एंड दिस इज द एसेंशियल डिफरेंस जो कि हम रियलाइज करने की कोशिश भी करते हैं। आप लोगों का फ्राइडे एंड वेनसडे, एवरी फ्राइडे एंड एवरी वेनसडे स्पेशल सेशन कराया जाता है, विच आई बिलीव इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन योर सिलेबस के लेक्चर्स एज वेल। वो तो दिन के तीन होते हैं, राइट। अब आपको सिलेबस से एक्स्ट्रा चीजों पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। दिस थिंग इज गेटिंग वेरी कम्पिटिटिव, पीपल आर जंपिंग इन जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के आदि हैं, बहुत कुछ करने को तैयार हैं, ठीक है। इन चीजों पे फोकस करना, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल्स क्या हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना जो बैच था उनको एक चीज पढ़ाई थी कि पाकिस्तान का पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक अनसस्टेनेबिलिटी का भी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के पास जो है वो टाउन प्लानिंग का भी प्रॉब्लम है। इन तमाम प्रॉब्लम्स के अंदर हम एक नेदरलैंड्स का मॉडल कैसे अप्लाई कर सकते हैं एज अ बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल। हमने 1.5 घंटा पूरा नेदरलैंड्स के ऊपर पढ़ा है कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स वर वेरी मच रिलेटेबल एंड सिमिलर, वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशन। तो अब इस तरह से प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन दें, बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं। सॉल्यूशन क्या है, बजट बढ़ा दो, ठीक है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को अंदर ले आओ, और क्या कर दो, गवर्नमेंट जो है वो ऐसे कर ले। थिंग्स आर नॉट एज सिंपल, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन कि आप कह रहे हैं कि बजट बढ़ा दें, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को अंदर ले आए, वुमेन को एम्पावर कर दें। कैसे कर दें, हाउ डू यू डू इट, बजट है नहीं, कैसे ले आए, कहीं से ऊपर से बजट नहीं आएगा, यू हैव टू मैनेज विद इन दी अवेलेबल रिसोर्सेज। अब यही फिर पॉलिसी मेकर की बात है कि वो कैसे पॉलिसी को बनाता है और कैसे प्रायोरिटाइज करवाता है और कैसे फिर वो रिकमेंडेशंस देता है। उससे कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने एक पूरी इसराइल की केस स्टडी पढ़ी। इसराइल के बारे में समझा जाता है कि वो सिर्फ इसलिए कामयाब है कि यूएसए ने उनको बहुत पैसा पंप किया। द रियलिटी इज फार अवे फ्रॉम इट। इसराइल हो गया, सिंगापुर हो गया, हाउ डू यू इंटर रिलेट देयर रिकमेंडेशंस। लीप ऑन यू ने क्या किया सिंगापुर ने, जो हम सिर्फ एक गवादर पर ही अप्लाई कर दें तो हमारे इकोनॉमिक मसले हल हो जाएंगे, हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहने का मकसद ये है, एक मिसाल है कि किस तरह से आपके अंदर डिफरेंशिएटर आता है। आप जब तक खुद को डिफरेंशिएट नहीं करा के आते ना, आप उसको बता के नहीं आते कि मैं हूं, उसको कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनर को कि वो आपको देखे कि आप कौन है।
ठीक है, यू आर राइट हेयर टू डिसाइड कि आप विजिबिलिटी में आते हैं, उसकी नजरों में आप आते हैं या आप नहीं आ पाते. पहली तो चीज फिर ये डिसाइड हो गई कि लक नहीं होता, आप डिसाइड करते हैं, चीजें आपके हाथ में हैं. और आई थिंक दैट्स अ वेरी एम्पावरिंग स्टेटमेंट व्हेन यू गेट टू नो कि लक नहीं है, सूबा नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, कॉम नहीं है, मेरी मेहनत है बस. ठीक है, यहां से ऑनवर्ड हम इस चीज को एक और प्रिजम्पशन की बेसिस पे लेके चलेंगे. मैं एक दो बस क्वेश्चन दे देती हूँ. ठीक है, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ने आंसर कर दिए. आप लोगों के कोई सवाल अभी तक? एनीथिंग? जी जी जी, कहां तक मैटर करती है सजेस्टेड रीडिंग? एफपीएससी की, एफपीएससी के सजेस्टेड रीडिंग ना कभी भी सारे के सारे नहीं पढ़ते होते. देयर इज अ होल वे कि आप उसमें से चलते हो. ठीक है, मैंने एक पूरी लिस्ट बना के दी हुई है रिगार्डिंग आपको कौन से सोर्सेज को रेफर करना है. सोर्सेज में हमेशा याद रखिएगा, कभी भी लीनियर वे में ये नहीं होता कि बुक्स 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 चल रहे. ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ आपके पास यूट्यूब चैनल्स का इम्तजाज होना चाहिए, इक्वल अमाउंट ऑफ आपके पास न्यूज़पेपर फैक्ट बुक आपने जो खुद बनाई है, इक्वल अमाउंट ऑफ आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स हो गए. हर चीज को पढ़ने का तरीका है. स्मार्ट वे यही है कि 8 महीने में आप सोच रहे होंगे ये इतना कुछ कैसे हो रहा है. स्मार्ट तरीका है, ठीक है, उस तरीके को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अच्छा, फातिमा कह रही है कि 3 क्लासेस दिन में होंगी तो हम खुद कैसे पढ़ेंगे फिर? फातिमा, दैट इज द होल थिंग. ठीक है, मैं आपको नहीं कह रही, बहुत सी जगहों पे दिन में एक क्लास होती है और फिर गगन होता है, मैं नहीं कह रही कि वो होगा. ठीक है, इट इज द रियलिटी, मैंने खुद किया हुआ है, आई नो. इट्स नॉट लाइक ये कोई, या मैंने कुछ 2001 में किया था CSS. मैं आपको बता रही हूँ, करना है तो फिर इसी तरह करें. ठीक है, 7 महीने के लिए जुड़ जाएं इस चीज के साथ, दिन में लेक्चर लें, घंटा डेढ़ जाके रेस्ट करें, उठें पढ़ें फिर से लग जाएं. एंड डोंट स्लीप व्हेन यू आर टायर्ड, स्लीप व्हेन यू आर डन. उठें सुबह फिर से क्लासेस दें. आपको इसीलिए मैंने बात की, जेन्युइन मोटिवेशन होगी ना तब ये इतनी बड़ी खप जहन पर सवार होगी कि इतना बड़ा मेस जो है ना इस तरह इसलिए नहीं लिया जाता कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. यू हैव टू बी वेरी पैशनेट एंड डेडिकेटेड अबाउट इट. आपको जो जवाब है ना वो हम यहाँ पे सॉल्व अभी नहीं कर सकते, आपको प्रायर नॉलेज कुछ लेना पड़ेगा तब हम पेपर अटेम्प्टिंग करेंगे. ये तो अभी हम ओवरव्यू सारे सब्जेक्ट्स का जनरली कर रहे हैं. सर, आप मजीद जो है इसको, इसके बारे में क्वेश्चन आंसर को कैरी ऑन कर लें. जी, थॉट विद राइटिंग स्पीड का जो आपका कमेंसुरेशन है ना, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ रिटन प्रैक्टिस से होती है और किसी तरह नहीं होती, और आपको पेनफुल हद तक रिटन प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ती है. ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने अपने जब क्लासेस ली, जब प्रेपरेशन की CSS की, तो विद इन ऑल दैट ड्यूरेशन एवरी वीक जो है ना रिटन प्रैक्टिस की, अच्छी बुरी तब जैसी भी हो सके, क्योंकि प्रेपरेटरी फेज है, राइट. उसके बाद अक्टूबर अपना महीना पूरा लिया, जिसके अंदर क्या किया कि नोट्स मेकिंग और अपनी सारी चीजें पूरी कर ली अक्टूबर तक. मतलब क्लासेस जो ली थी उनके तो मैंने साथ साथ चीजें की, साथ साथ करने काम रोज करने, जो रह गया उसको इसने किया और रिवीजन की. नवंबर टू जनवरी फॉर 3 मंथ्स बैठ के बस लिखें और कुछ ना करें, रिवाइज एंड राइट. आपकी ये जो मेंटल कोऑर्डिनेशन है ना, आपको सबसे बड़ा इशू यही होता है पेपर के अंदर के 4 सवाल होते हैं 20-20 मार्क्स के. 95% ऑफ द कैंडिडेट्स जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच ही नहीं पाते, टाइम ही नहीं मैनेज होता. ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, 3 सवालों पे काम खत्म हो गया. अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 4 कर पा रहे हो ना तो समझ लो आप ऑलरेडी एलोकेटेड में तो हो. ठीक है, इस काम के लिए आपको बैठ के लग के जो है रिटन प्रैक्टिस करनी है. यही तरीका अभी जो है हम करवा भी रहे हैं कि आपकी जब क्लासेस है ना, आपके हर वीक टेस्ट है और हर वीक 3 सब्जेक्ट्स ईच का एक टेस्ट है. ठीक है, आप बैठेंगे और जबरदस्ती करेंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि आप जबरदस्ती जो है वो कर रहे हैं. ठीक है, आप जब तक
बगैर इस चीज के काम करेंगे ना कि ऊपर कोई बैठ के आपसे रगड़ के करा नहीं रहा, आप नहीं कर सकते. यू विल नेवर फील मोटिवेटेड इनफ टू राइट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एसेज, विदाउट हैविंग द फियर के कोई करवा रहा है. अदरवाइज फियर ऑफ फेलियर ही आपको लिखने नहीं देता. मुश्किल है के प्रोसेस में ही आप रह जाते हो. ठीक है, अब आपके पास जो वन ईयर का प्रोग्राम है ना, वन ईयर का बेसिकली यही है कि आपने 5 महीने अक्टूबर तक आपके भी सेम टू सेम स्ट्रैटेजी है. आप बहुत अच्छे टाइम पे आए हो, आपको अक्टूबर तक हर चीज कवर्ड होके अक्टूबर तक आपने लेक्चर्स अपने पूरे किए बाय द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर. ठीक है, लेक्चर्स पूरे हुए, साथ साथ हर हफ्ते टेस्ट दे रहे हैं 3 सब्जेक्ट्स का, किसी किसी हफ्ते 4 सब्जेक्ट्स का भी टेस्ट हो सकता है. ठीक है, अक्टूबर पूरा लें, पूरे अक्टूबर में अपने रिविजन घर बैठ के आराम से करें. नवंबर से दिसंबर जनवरी तक 3 महीने रिटन टेस्ट पे रिटन टेस्ट दें, और जनवरी के बाद फेब में आपका पेपर होता है. फेब में जब आपके पेपर्स हैं उससे राइट बिफोर इट आप फुल लेंथ मॉक्स. ठीक है, वन ईयर प्रोग्राम यही है और उसके अलावा कुछ भी और कोई साइंस नहीं है उसके अंदर. ठीक है, इस तरह से मैं वही कह रही हूँ कि जुड़ के बैठे तरीके से इस चीज को लेके चलें, काम हो जाता है, बट बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है. अब इसके अंदर आपका जो विद इन दीज 5 मंथ्स है ना, आपके ऑलमोस्ट 60 टेस्ट पहले इंक्लूडेड है, 36 टेस्ट जो है फिर आपके इन 3 महीनों में. ठीक है, आप इतने टेस्ट अगर दे रहे हैं ना, तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपकी राइटिंग स्पीड या ब्रेन की थॉट की राइटिंग के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो ना बन सके. इसके बाद 12 जो फुल लेंथ मॉक है वो अलग है. ठीक है, इतना काम कर लेंगे, इश्यूज खत्म हो जाएंगे. बात सारी ये है कि अच्छा लिखें या बुरा लिखें, स्टूडेंट जो है ना लिखने से भागता है. स्टूडेंट बस कहते हैं कि मैं बैठा रहूं, सामने जो है सिनेमा चलता रहे, मैं सुनता रहूं. ये सबसे बड़ा मसला है स्टूडेंट का. जब आपने उसे कह दिया ना कि टेस्ट करके दो, वहीं पे वो अटेम्प्ट टू मर्डर वाली बात हो जाएगी. वो ऐसे लगेगा हमारा मर्डर हो रहा है. ठीक है, इस मुश्किल से निकलें, ये वाला जो रिटन प्रैक्टिस वाला है, एंड यू विल गेट थ्रू इट इंशाल्लाह. जी सर, सर अभी इसको कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद मैं वापस आती हूँ आपके क्वेश्चंस के ऊपर. बिल्कुल, आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं वीकली पेपर. हम हॉस्टल ऑफर नहीं करते, लेकिन हॉस्टल यहाँ पे बहुत सारे हैं, उनके देखें मुझे लगता है एथिकली अच्छा नहीं है कि हम पढ़ाई को छोड़ के जो है वो हॉस्टल के इदारों के साथ टाई अप करने बैठे हूँ कि उधर चले जाओ. वी विल नॉट कोअर्स यू कि आप किस में जाएं. बहुत सारे हॉस्टल हैं इधर रहते, आप प्लीज खुद आके देखें, आपके पेरेंट्स खुद तसल्ली करें कि कहाँ पे आपको रहना चाहिए. ठीक है, कुछ और चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे जहां पे हमने इसको रोका था उसी से हम चीजों को आगे लेके चलते हैं. आई इनकरेज यू कि आप उसको जितने ज्यादा क्वेश्चन आप मजीद करना चाहें तो आप मजीद क्वेश्चन जो है वो अल्टीमेटली आप कर सकते हैं इसके अंदर. अच्छा, 2-3 बातें जरा और मजीद जो है वो अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें समझ आए कि चीज़ें जो हैं कहाँ से कहाँ तक जो है वो पहुँच रही हैं. जब मसला आता है ना पाकिस्तान अफेयर्स का या करंट अफेयर्स का, क्यों मैडम ने आपको जरा ऐसे में डिटेल में डिस्कशन की आपके साथ, जब मसला आता है ना पाकिस्तान अफेयर्स का करंट अफेयर्स का, तो सबसे पहला प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये आता है कि स्टूडेंट को ना डायरेक्टिव समझ नहीं आते. सो सवाल ये है कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं. डायरेक्टिव्स वो चीज़ें होती हैं जो एग्जामिनर ने ना आपके सवाल के शुरू में या सवाल के एंड पे पूछी होती है. हमारे जहन में पता क्या आता है, हमारे जहन में ना हम सवाल में करते क्या. सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट सीएसएस में, मेरी लाइन पे फोकस करना आपने, स्टूडेंट सीएसएस में टॉपिक सॉल्व करता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता. क्योंकि वो ना एक ऐसा लफ्ज ढूंढता है जो ना उसने पढ़ा हुआ होता है, और वो लफ्ज जहां उसको नजर आता है ना वो कहता है ये सवाल मुझे आता है. वो ये नहीं देखता कि उसने उससे पहले या उसके बाद में उसने क्या पूछा हुआ. राइट, तो जब मैं बात करता हूँ ना डायरेक्टिव्स की, तो डायरेक्टिव्स का मतलब होता है वो चीजें जो सवाल के शुरू में पूछता है एग्जामिनर या सवाल के एंड पे. फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, सीपैक एज अ गेम चेंजर. हमें ना लफ्ज नजर आया सीपैक का, हमने कहा यार बड़ा अच्छी बात है, सीपैक पे सवाल आ गया, अब मुझे सवाल आता है और मैं सवाल लिख लूंगा. डायरेक्टिव्स क्या है, या सवाल के शुरू में पूछेगा वो या एंड पे पूछेगा. डायरेक्टिव्स शुरू में क्या है, एक्सप्लेन. डायरेक्टिव्स क्या है, कमेंट. डायरेक्टिव्स क्या है, एनालाइज. डायरेक्टिव्स क्या है, असेस. डायरेक्टिव्स क्या है, एवेलुएट. डायरेक्टिव्स क्या है, एलुसिडेट. सब में फर्क है, हम ये लफ्ज नहीं देखते. हम क्या देखते हैं, सीपैक. हमें नजर क्या आया, सीपैक.
हमने नहीं देखा कि उसने हमसे क्या पूछा है, उसने क्या हमसे पूछा है कि इसको एक्सप्लेन करो, इसको इस पे कमेंट करो, इसको एनालाइज करो या क्रिटिकली एनालाइज करो, क्रिटिकली इवैल्यूएट करो, इवैल्यूएट करो, एलुसिडेट करो, क्या करो? इसके अलावा और बड़े लफ्ज आते हैं आपके पास, राइट, डिस्क्राइब, राइट अ नोट, एनालाइज, बड़े लफ्ज हैं आपके पास, आर्ग्यू, डिस्कस, मेरी बात समझ आती है? द मल्टीपल डायरेक्टिव्स दैट एग्जामिनर कैन आस्क, या ये सवाल के एंड पे होंगे या सवाल के शुरू में होंगे, एंड आई एम वेरी श्योर 95-99% स्टूडेंट जो होता है ना, इस लफ्ज को ढूंढता ही नहीं है, इस लफ्ज को देखता ही नहीं है, और बाहर निकल के दूसरे से पता क्या पूछता है, सीपैक वाला सवाल किया था यार वो तुमने, वो पैलेस्टाइन वाला सवाल किया है, हाँ किया, राइट, उसने क्या पूछा था, ये नहीं बात हो रही, मेरी बात समझ आती है? और फिर बाद में जाके पता क्या करते हैं, सर अल्लाह जानता है, सर अल्लाह जानता है कि हमने सब बहुत अच्छा लिखा था, अल्लाह जानता है सर हमने सब बहुत अच्छा लिखा था, पता नहीं सर नंबर क्यों नहीं आ रहे, सर समझ नहीं आ रही नंबर क्यों नहीं आ रहे। बड़ी सिंपल सी बात है, आप जब उसको वो आप उसने आपसे एनालाइज पूछा है, आप उसको इवैल्यूएट करके दोगे, इवैल्यूएट पूछा है, असेस करके दोगे, वो तो नंबर आपको नहीं देगा। अब सवाल ये आता है कि इनमें फर्क कहां पे है, इनमें डिफरेंस कहां पर है। मैं एग्जांपल पूछ लेता हूं आपसे, अगर मैं आपको कहता हूं कि एनालाइज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एज अ गेम चेंजर, क्या आउटलाइन बनती है आपके ज़हन के अंदर? सर क्या आउटलाइन बनती है आपके ज़हन? सवाल मैं जज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे आइडिया लेना चाह रहा हूं कि आपके ज़हन में टॉप ऑफ द हेड क्या आंसर आता है इसका। मैं कहता हूं एनालाइज सीपैक एज अ गेम चेंजर, क्या लिखना है इसके ऊपर मैंने, अगर मेरे पास आ गया तो? रमीशा कह रही है मैं इनमें क्लास ले सकती हूँ, जी बिल्कुल ले सकती हूँ रमीशा, ठीक है, हम सिर्फ इकोनॉमी पे बात करेंगे और किसी चीज पे बात नहीं करेंगे, एक मिनट एक मिनट, हम सिर्फ इकोनॉमी पे बात करेंगे और किसी पे बात नहीं करेंगे, ऐसा ही है, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, और किस पे बात करेंगे, इकोनॉमी भी हो गया, ए आगे चलो, आई एम मोर कंसर्न अबाउट काफी बातें ना, ठीक है, कौन कौन सी बातें, मैं कोशिश करो, राइट, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, यहां गलती कर लो वहां ना करना, क्या आता है जेन में टॉप ऑफ दी हेड आपके जेन में, क्या आता है सर? ठीक है, हम लोगों पे इंपैक्ट देखेंगे, इंपैक्ट में क्या, इकोनॉमी आ गई, सोशल इंपैक्ट आ गया, इकोनॉमिक आ गया, पॉलिटिकल आ गया, ग्लोबल भी आएगा, ठीक हो गया, आगे चले, ठीक है, हमारे बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन कैसे स्ट्रेंथन होंगे, हम एनालाइज में सारा कुछ करेंगे, गुड। सर मैंने सवाल में एवेल्युएट डाल दिया, सवाल वही है, चेंज कहां पे आ गया? चेंज क्या है आंसर में? अब आ जाए एसएस पे, आंसर में चेंज क्या है? अगर आपको ये समझ नहीं आ रही ना कि आंसर में क्या चेंज आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें वाकई तैयारी की जरूरत है और यहीं से नंबर आते हैं, यहीं से हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। फर्क दोनों में बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत सिंपल फर्क है। एनालाइज करने का मतलब पता क्या होता है? चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हर चीज पे अलग अलग बात करना। एनालाइज सीपैक एज अ गेम चेंजर, मुझे उसको बताना है कि ये सोशल गेम चेंजर कैसे, पॉलिटिकल गेम चेंजर कैसे, टेक्नोलॉजिकल कैसे, सिक्योरिटी कैसे, इकोनॉमिक कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चरल कैसे, ग्लोबल कैसे, रीजनल कैसे, इंटरनल कैसे। मैं जितने जितने हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं ना, मुझे टॉपिक को उतने हिस्सों में क्या करना है, डिवाइड करके सब पे अलग 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 बात करनी है। एग्जाम्पल देता हूं, राइट एन एसे ऑन एलिफेंट, राइट। दूसरा सवाल आया एनालाइज एलिफेंट एज एन एनिमल, अगर मैं सवाल करूं ना एनालाइज एलिफेंट एज एन एनिमल, अब आप मैं उसके दांतों पर अलग बात करूंगा, उसके कानों पर अलग बात करूंगा, उसके दुम पे अलग बात करूंगा, उसकी बॉडी पे टांगों पे अलग बात करूंगा। आई कैन नॉट टॉक अबाउट एलिफेंट एज अ होल एनिमल नाउ बिकॉज उसने मुझे एनालाइज पूछ लिया। मेरी बात समझ आ रही है? जब उसने मुझे एनालाइज पूछा है और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने एनालाइज में करना क्या था, तो नंबर मैं जितने मर्जी मैं 40 सफे लिख दूं उस पे, राइट, वो जी 62, मैंने सारे लफ्जों का स्टार्ट पता क्या होगा स्टूडेंट का, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 62 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, ऐसी तैसी फेर देगा पाकिस्तान दुनिया की इकोनॉमी के अंदर, राइट, पाकिस्तान में कमाल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, दुनिया पाकिस्तान दौड़ेगी यहां पे नौकरियां लेने के लिए, राइट, पाकिस्तान ग्लोबल टाइगर बनने लगा है, राइट। अच्छा, इसकी इंट्रोडक्शन भी वही है, इसी का भी वही, इसका भी वही, सब में कोई डिफरेंस नहीं आया। और बाद में पता क्या कहता स्टूडेंट, सर अल्लाह की कसम सर, मुझे लगता है पाकिस्तान फेज ना हिट हो गया, सर करंट अफेयर्स का पेपर ना मुझे लगता है हिट हुआ है,
बड़ा नंबर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे सर, पता नहीं सर क्यों नहीं आ रहे नंबर, पता नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही ना एग्जामिनर पूछ क्या रहा है हमसे, और ना ही हमें किसी, हमने सोचा ही नहीं यार कि यार मुझे बात बताओ कि इन सारे लफ्जों का डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट समझ आ रहा है आपको, डायरेक्टिव स्टूडेंट जानता ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टिव स्टूडेंट को किसी ने बताया ही नहीं है, किसी ने समझाया ही नहीं है स्टूडेंट को कि भाईजान डायरेक्टिव जब आता है ना तो आपने ये देखना होता है कि मुझे, जैसे मैडम शुरू में क्या कह रही थी कि आंसर टेलर मेड होना चाहिए, टेलर मेड का मतलब ये है कि अब आपका एक टेलर मेड आंसर बनेगा क्योंकि उसने सवाल में चीज डिफरेंट पूछ ली है आपसे। मेरी बात समझ आती, हम आपको वही चीजें समझाएंगे क्लासेस के अंदर, जो मैं मैडम आपको बता रही थी एनालिटिकल लैब की क्लासेस, कि हमारे पास बुध को क्लासेस होती हैं, उसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं, वो थ्योरीज जो आप किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। मेरी बात समझ आती, किसी भी सब्जेक्ट में लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, सादी सी एग्जाम्पल, आपने एक थ्योरी सुनी होगी या पढ़ी होगी या नहीं सुनी तो आज आप सुन लेंगे। एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है कर्नल जॉन वॉर्डन, कर्नल जॉन वॉर्डन, कर्नल जॉन वॉर्डन कहते हैं कि एक मुल्क को चलाने के लिए ना पांच चीजों की जरूरत होती है, द फाइव थिंग्स दैट आर नीडेड टू रन अ कंट्री। कर्नल जॉन वॉर्डन ने कहा कि उन पांच चीजों को हम पांच रिंग्स मान लेते, द फाइव रिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री। उसे कहा जी पहला रिंग है पॉपुलेशन, दूसरा रिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा रिंग है गवर्नेंस, चौथा रिंग है मिलिट्री, और पांचवा रिंग है स्टेबल गवर्नमेंट। पहला रिंग कौन सा आ गया? पॉपुलेशन। दूसरा रिंग क्या आ गया आपके पास? इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा गवर्नेंस, चौथा मिलिट्री, और पांचवा स्टेबल गवर्नमेंट। ये पांच रिंग है। उसने कहा जी एक मुल्क को चलाने के लिए पांच रिंग्स चाहिए, अगर ये पांचों रिंग काम करेंगे तो मुल्क काम करेगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं, अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को इंटरनली खराब करना है ना, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को इंटरनली प्रॉब्लमैटिक बनाना है ना, उसने इन्हीं पांच रिंग्स को डिस्टर्ब करना है। पांच रिंग्स चाहिए एक मुल्क को चलाने के लिए, पांच रिंग्स चाहिए एक मुल्क को डिस्टर्ब करने के लिए। कर्नल जॉन वॉर्डन कहता है कि इन पांचों रिंग्स में से सबसे इंपॉर्टेंट रिंग है ये वाला पॉपुलेशन। वो कहता है अगर एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को इंटरनली खराब करना है, उसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है ना, उस मुल्क को चाहिए कि वो दूसरे मुल्क की पॉपुलेशन के अंदर मिसइंफॉर्मेशन फैला दे, मिसइंफॉर्मेशन फैला दे दूसरे मुल्क की पॉपुलेशन, क्योंकि मिसइंफॉर्मेशन की बेस पे वो पॉपुलेशन सड़कों पे निकलेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही तोड़ देगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा दूसरे मुल्क को। मिसइंफॉर्मेशन फैलाओ, लोगों को सड़कों पर निकालो, लोग सड़कों पर निकलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही तोड़ देंगे, जैसे हमारे मुल्क में तोड़ देंगे। कुछ देर मजीद बैठेंगे तो मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम खुद ही खराब हो जाएगा, क्योंकि लोगों के आना जाना ही बंद हो जाएगा। वो मजीद बैठे रहेंगे तो उस मुल्क की गवर्नमेंट को उन लोगों को उठाने के लिए मिलिट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। उसी मुल्क की मिलिट्री उसी लोगों को मार रही होगी और उसी मुल्क के लोग उस मिलिट्री को गालियां दे रहे होंगे, और अगर मुल्क के हालात मजीद खराब हुए तो मिलिट्री क्या करेगी? मिलिट्री मुल्क को बचाने के लिए गवर्नमेंट कहेगी सर आप ही घर चले जाएं, आप उससे रजीम चेंज भी करवा सकते हैं। आपने एक पॉपुलेशन के रिंग को डिस्टर्ब करके आपने पूरे मुल्क के सिस्टम को खराब कर दिया। मेरी बात समझ आती? ये सिस्टम्स, ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, ये दुनिया में किसी जगह लगा ले, पाकिस्तान में लगा ले, ईरान में लगा ले, आपके पास अरब स्प्रिंग आया था तो लोग ही सड़कों पर निकले थे ना, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जब इस्तीफा दिया उसके सदर ने, तो सदर के महल को घेरा किसने डाला हुआ था? पॉपुलेशन ने। मेरी बात समझ आती? यू जस्ट नीड टू create some problem or misinformation within the population of the country and you just see that population will do everything, right? और आपके मुल्क में भी आज ऐसे ही हो रहा है। आपको सिर्फ population को क्या करना है? घुमाना है, चलाना है, misinformation फैलानी है population के अंदर, बाकी आपने popcorn लेके बैठ जाना है, क्योंकि आपका काम सिर्फ population को misinformation देके चलाना था, बाकी वो खुद करेंगे, right? गुस्सा खाना खाके बने किधर? फ्रांस में पेट्रोल पंप जल गया लाहौर में। मैंने आज तक किसी मुहब्बे मजहब और किसी मुहब्बे पॉलिटिकल पार्टी को अपनी मोटरसाइकिल को जलाते नहीं देखा। उस अल्लाह के वली ने हमेशा किसी की मोटरसाइकिल जलाई है और किसी का पेट्रोल पंप साड़ा है। ऐसे ही होता है। मैंने नहीं देखा आज तक भाईजान, मैं जनाब इस पोलिटिकल पार्टी से बहुत मोहब्बत करता हूं, ये मेरी गाड़ी और ये मैंने तोड़ी, उसने तोड़ी है तो किसी की गाड़ी तोड़ी है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा है तो किसी का ही तोड़ा है।
आपको सिर्फ पॉपुलेशन को क्या करना है, इग्नाइट करना है। मेरी बात समझ आ रही, थ्योरी समझ आती, जा मर्जी लगाते जाओ। हम इस तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं, फायदा पता क्या होता है, इस तरह की ना चीजें बैग में पड़ी होती है ना, जब कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या चलाएं, एक चीज निकाली चला दी, राइट। थ्योरी नंबर टू पे आ जाते हैं। एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसका नाम था थ्यूसीडाइड्स, कुछ लोग उसको थ्यूसीडीडीज पढ़ते हैं, राइट। आपकी मर्जी है, आप मतलब सेमीफाइनल वाली क्लास में से हैं या सेमीफाइनल्स वाली क्लास में से हैं, जो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी प्रोनंसिएशन देते हैं भाई, मैं सादा आदमी, ठीक है, मैं आपको थ्योरी समझा सकता हूँ, प्रोनंसिएशन जो है ना वो मैडम ठीक करेंगी, मैडम अंग्रेजी पे अबूरत थी, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये समझने वाला है, कहीं को थ्यूसीडीडीज पढ़ लो, कहीं थ्यूसीडाइड्स पढ़ लो, मेरी बात समझ आती है। थ्यूसीडीडीज ट्रैप या थ्यूसीडाइड्स ट्रैप, ट्रैप थ्यूसीडीडीज, थ्यूसीडीडीज एक ग्रीक फिलोसफर था, सादी जुबान में थ्योरी समझाते हैं। थ्यूसीडीडीज कहता है कि एक जंगल में ना सिर्फ एक शेर की गवर्नमेंट रह सकती है, जंगल में ना पैरेलल गवर्नमेंट शेरों की नहीं हो सकती, एक जंगल में दो बादशाह नहीं हो सकते, बादशाह एक ही होता है। बात समझ आती, जब एक बादशाह की गवर्नमेंट चल रही हो ना और दूसरा बादशाह यानी दूसरा शेर उसकी सल्तनत में आने की कोशिश करता है, घुसने की कोशिश करता है, तो दोनों में क्या होती है, लड़ाई, और एंड पे जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो पावरफुल होता है, वो क्या हो जाता है, जीत जाता है, क्योंकि जंगल में एक ही शेर जिंदा रह सकता है। बात समझ आती है, क्या आज मियां साहब और खान साहब थ्यूसीडाइड्स ट्रैप में नहीं, क्या इस वक्त यूएस और चाइना थ्यूसीडाइड्स ट्रैप में नहीं, क्या इस वक्त यूएस और रशिया थ्यूसीडाइड्स ट्रैप में नहीं, क्या कुफारे मक्का और मुसलमान थ्यूसीडाइड्स ट्रैप में नहीं थे। मैंने एक थ्योरी को इस्लामियात में भी लगा लिया, पाकिस्तान अफेयर्स में भी लगा लिया, करंट अफेयर्स में भी लगा लिया, मेरी बात समझ आती है, आप जहां मर्जी लगाते जाए उसको। एक आपने कर्नल जॉन वार्डन की थ्योरी फेंक दी उसको पेपर में, दूसरी तरफ से निकाल के आपने थ्यूसीडाइड्स ट्रैप फेंक दिया उसको, दो पेज आपने भर दिए उसको, एग्जामिनर कहता है यार तो दुश्मन पाते हैं, ये तो मैंने पढ़ी नहीं किसी के पास, नंबर आ जाएंगे। समझना क्या है कि आपको इस तरह के जो मैं तो उनको ना बजूके कहता हूं, बजूके, ये बजूके हो ना आपके पास जेब के अंदर, बंदूकें इस तरह की, जहां दिल किया चला। अब मुझे बात बताएं, यही आप बजूका चला दें पाकिस्तान अफेयर्स में, यही करंट अफेयर्स में, यही ऐसे में, ऐसे वाले को क्या पता कि आपने अभी यही दो बातें अगले पेपर में भी कर ली। एग्जामिनर फर्क है, करंट अफेयर्स वाले को क्या पता कि अल्लाह का वली अभी सुबह के टाइम पाकिस्तान अफेयर्स का 9 से 12 वाले पेपर में यही बातें लिख के आए, मेरी बात समझ आती, और उसको यह भी नहीं पता कि अभी इसका कल इस्लाम के पेपर भी है, इसने वहां पे कुफारे मगर मुसलमानों में यही थ्यूसीडाइड्स ट्रैप लगा। यही वो बातें हैं जो मैं और आप मैडम जो है ना वो बातें कर रहे थे इसके अंदर, इंटरडिसिप्लिनरी। हमने आपको सिखानी यही चीजें, सिर्फ नॉलेज तो देना ही है, लेकिन आपको कम से कम इतना जरूर काबिल करना है, क्योंकि तो बंदा आपको ये कह सके यार सवाल अगर नहीं भी आता ना तो कुछ ना कुछ तो जेब में है ऐसा कि मैं कुछ ना कुछ तो लिख ही आऊंगा, को 8-10 थ्योरीज है मेरी जेब में, कुछ टर्मिनोलॉजीज है मेरी जेब में, कहानी में बना लूंगा उधर बैठ के, बात 20 नंबर जाया करने की बजाय 10 तो जरूर ही ले लूंगा मैं, मेरी बात समझ आती, और 10 नंबर मैं एक नंबर से आपको डीएमजी से कस्टम कह रहा हूं, 10 नंबर राइट आपका मैसिव डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं पोजिशन के, मैसिव, मेरी बात समझ आती। तो ये छोटी छोटी बातें आपके जेहन के अंदर होना, डायरेक्टिव आपको समझ आते हैं, थ्यूरीज आपको सिस्टम में लगानी आती हैं, राइट आपका पेपर कहीं नहीं जाता। हमारी एक आदत है मेरी और मैडम की, जिससे ना हमारे बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं ना यहाँ पे, वो बड़े नाला हैं, हमसे नफरत करते हैं। वो चीज मैं बता दूं आपको क्या है, मेहनत करके ना हमने, एग्जांपल देता हूं, करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में 2000 से लेकर 2023 तक 24 साल के पेपर्स निकाले, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का, थीम का पेपर निकाला है, और हमने बताया कि अच्छा पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस पे ना पिछले 25 सालों में 24 सालों में कितने 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 सवाल आए, 2000 में ये आया था, 2002 में ये आया था, 4 में ये आया था, 8 में ये आया था, 10 में ये आया था, 12 में ये आया था, अब आ जाओ पाकिस्तान चाइना के ऊपर, पाकिस्तान चाइना में पहले ये आया था, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, पाकिस्तान अफगानिस्तान में ये पूछा हुआ उसने, ग्लोबल वॉर में भी ये सवाल पूछे हुए उसने, वो हम ना आपको क्लास में उन्होंने पहले पकड़ा देते, ठीक है, फिर काम के शुरू होता है। मैं आता हूँ क्लास के अंदर, मैं कहता हूँ अच्छा भाई आज हमने क्या पढ़ना है, पाकिस्तान इंडिया निकालो पास पेपर्स, 24 साल के पास पेपर निकालो, 24 सालों के अंदर इस टॉपिक के ऊपर 12 सवाल आए हैं और जो कि मैंने ये लिख दिए हैं, अब इनका आंसर ये है, मेरी बात समझ आती है। मुझे टॉपिक नहीं पढ़ाना है आपको, मुझे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है। आप 5 महीनों में, साल में, 6 महीनों में एक्सपर्ट किसी चीज के नहीं हो जाओगे,
आपको इकोनॉमी 100% नहीं समझ आएगी, लेकिन इतनी जरूर हम आपको सिखा देंगे कि पेपर में 20 नंबर में से 14 नंबर कैसे आते हैं। मेरी बात समझ आती है? चार सालों के तो जो डिग्री हमने हमें समझ नहीं ना आई, एंड पे जाके सर रोल नंबर ही याद रहा हमें। मेरी बात समझ आती? सो वी अज्यूम कि हम अगले 5 महीनों के अंदर ना इस सब्जेक्ट के क्या हो जाएंगे, माहिर। अब इसमें 12 पढ़ने हमने, उसमें हमसे एक नहीं पढ़ा गया चार सालों में, उसी की डेप्थ में जा रहे थे ना हम फर्दर। तो लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आपसे ही नहीं हो सकता, हो सकता है, बस आपने करना पता पड़ा क्या है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप हमारे पास आते हैं एडमिशन लेने के लिए, आपने ने काम करना है, आपको जैसे हम लेकर चले ना, बस आपने चलते जाना। मैं पिछले 8 सालों का निचोड़ बताऊं आपको, जब से मैं सीएसएस पढ़ा रहा हूं, सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट का मसला लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता, ओवर इंफॉर्मेशन होता है। उसको हर बंदा डिफरेंट बात बता रहा होता है और उसको हर बंदे की बात लॉजिकल लग रही होती है, क्योंकि वो खुद पहली दफा आ रहा होता है सिस्टम। कहते यार ये बंदा ठीक कह रहा है, कहते यार अच्छा ये भी ठीक कह रहा है। एक बंदा कहता है अच्छा भाईजान आपने ना इस तरह चलते जाना, इस तरह चलते जाना। दूसरा बंदा कहता अच्छा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलना, ऐसे चल रहे। तीसरा कहता नहीं भाईजान ऐसे चल। तीनों ठीक कहते होते हैं, तीनों गलत नहीं कहते होते। स्टूडेंट पता गलती क्या करता है, स्टूडेंट हर एक की एक एक बात उठाता है और अपना रास्ता निकाल देता है। मेरी बात समझ आती है? कहते यार इसकी ये बात अच्छी, इसकी ये अच्छी, इसकी ये अच्छी, सबकी बात निकाल के अपना रास्ता निकाल लेता, जो कि एग्जामिनर ने कभी नहीं देखा होता। एग्जामिनर ने वो तीनों रास्ते देखे हुए हैं जो हम आपको बताएंगे। हो सकता है मेरा रास्ता जैद से फर्क हो, जैद का बकर से, बकर का शाहिद से। एग्जामिनर ने चारों रास्ते देखे हुए, चारों को एग्री करता है वो। लेकिन एग्जामिनर ये जो नया इस्माइल ने रास्ता बनाया है ना, इसको नहीं वो समझता। मेरी बात समझ आती है? तो फिर वो स्टूडेंट पता क्या कहता है, कहता सर मैं 15 लोगों के पास गया हूं, मैं फिर फेल हो गया हूं। क्योंकि उसने आपने किया पता क्या है, आपने सबकी एक एक बात उठाई है और अपना एक रास्ता निकाल लिया, राइट। स्टूडेंट का एक काम बड़ा सिंपल सा करना होता है, एक टीचर की दुम पकड़े और चलते जाए उसके पीछे। वो कहना सर राइट हो जाए, आप राइट हो जाए, वो कहे लेफ्ट, आप लेफ्ट हो जाए। क्योंकि उसने जो एक्सपीरियंस चीज सीखी है ना, वो आपको वही बताएगा, उसकी दुश्मनी कहीं नहीं है उसके साथ। मेरी बात समझ आती है? रिजल्ट आता है तो खुशी होती है, राइट। तो सारे के सारों के लिए करना क्या है, हमने रस्ते की तरफ लेकर चलना है सारे का सारा। ये बात समझ आती है आप? तो इस सारे के सारे सिचुएशन के अंदर समझाने वाली बात ये थी कि आपको ये समझाना या आइडिया देना कि एग्जामिनर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। एग्जामिनर तो जानता ही नहीं है आप कौन है। आप जो पेपर देते हैं उस पेपर के ऊपर वो शीट को ना एक्स्ट्रा, उसके ऊपर से शीट होती है, उसको वो रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर एक नंबर लगा देते हैं एग्जामिनर के पास जब चेक होने जाती है वो शीट। एग्जामिनर को पता ही नहीं है आप जैद हैं, बकर हैं, इस्माइल हैं, शाहिदा हैं, कौन है। वो ये भी नहीं जानता कब लड़का है या लड़की है। वो ये भी नहीं जानता आप कश्मीर से हैं, बलूचिस्तान से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से, कहां से, राइट। उसने पूछा 1+1, आपने कह दिया 2, उसने दे दिया नंबर। एग्जामिनर डज नॉट नो हु यू आर। एग्जामिनर जस्ट नो वन थिंग, मैंने जो पूछा था कि उसने आंसर किया हुआ है, मैंने इवेलुएट पूछा था उसने इवेलुएट ही किया हुआ है। हाँ ये हुआ ना पेपर, पिछले 15 को तो समझ ही नहीं आई कि इवेलुएट का मतलब क्या था, ये हुआ इवेलुएट। आपका पेपर पे बेंचमार्क बन जाता है। 10-12 पेपर्स के बाद एक अच्छा पेपर आए ना तो ऐसे नंबर देता है वो खुशी के अंदर कि यार ये पेपर था जिसको मैं ढूंढ रहा था। फिर वो आपका बेंचमार्क बनाकर बाकी सबको आपके हिसाब से जज करता है, राइट। नंबर आते हैं, मैंने मेहनत करने वालों के नंबर जाया नहीं होते देखे, राइट। मैंने उन लोगों के नंबर जाया जरूर होते देखे जो खुद कंफ्यूज हैं। और ये बात याद रखना, आखिरी बात, मैं मैडम की तरफ मैं जाऊंगा। सीएसएस के ना एक बहुत बड़ा मसला है, मैंने ना सीएसएस उन लोगों का नहीं होते देखा जिनकी सीएसएस ना सेकंड ऑप्शन है। मैंने सीएसएस उन लोगों को होते देखा है जिनकी सीएसएस फर्स्ट ऑप्शन है। क्योंकि मुझे लगता है कि सीएसएस कैन बी आइदर योर फर्स्ट ऑप्शन और इट कैन नेवर बी योर ऑप्शन, बिकॉज इट इज अ फुल टाइम जॉब जिसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट मजबूरन नहीं करना, इंटरेस्ट लेना है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये करना है, जो मर्जी हो जाए। मैं स्लिप भी होऊंगा लेकिन मुझे ये पता है कि जब मैं टॉप पे पहुंचूंगा इट विल बी एब्सोल्युटली वर्थ सीइंग। 2 मिनट में भूल जाऊंगा सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे लोग। सर बड़े लोग आपको छोड़ेंगे भी, आपको भी बड़े लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको एक बात बताऊं, पास होकर देखें सब वापस आ जाएंगे। ऐसे आपको वहां से कॉल्स आएंगी जहां से आपने जिंदगी में कभी नहीं सोची, और आपको बताएंगे बेटा जब आप इतने से थे ना या इतनी सी थी तब से मैं दुआ कर रहा था आपके लिए कि आप अफसर बने, और आप कहेंगे सर मैं सिर्फ आपकी वजह से कामयाब हूँ, ठीक है। सब वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए ना खुदा ना खासा नाकाम हो गए ना तो लोगों ने पता है कहना है, हमें तो पता था, हमें तो पहले ही कहा था। लेकिन बस आपने करना पता कैसे, मैं ये सोच लेना कि मुझे इसको ना
काउंटर करना है, बस जो उसने मुझे समझाया मुझे इसको फॉलो करना। बात समझ आती? तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को भी समझेंगे डिटेल के अंदर। जी मैडम, मैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आऊंगी, बस ठीक है, एक मिनट काफी है। और क्वेश्चन आंसर्स में मैडम आपकी आवाज नहीं आ जाती है। क्वेश्चन आंसर्स में लेना शुरू करते हैं, जैसे कि अभी आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हमने क्वेश्चन आंसर लिए नहीं अभी तक। जी अच्छा, आई हैव कंप्लीटेड द कंपल्सरी सब्जेक्ट्स और मुझे अच्छा, अगर आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक वी वर आवर टॉक वाज जस्ट सेंटर्ड अराउंड मोस्टली अराउंड टू पीपल दैट फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का थोड़ा सा जो है वो एड्रेस हो जाए कि होता क्या है। Let's move towards advanced. Talk about it. अगर आपको लगता है कि मेरे subjects पूरे हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे जो है वो attempt एक दफा already हो चुकी है, और अगर आपको लगता है कि मुझे classes अभी नहीं चाहिए, तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सिर्फ ये कि अब आप देखें इस वाले फेज से तो निकल गए हैं ना, जो हमने अभी बात की थी कि till October आपको classes और lectures और syllabus को पूरा करना है। आपका syllabus पूरा है, what you need now is just this कि आपने मैक्सिमम रिटर्न की प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखना सीखना है, और आपको ये सीखना है कि मार्क्स फेचिंग मैक्सिमम कैसे होती है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू नाउ। आपके पास जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, आपको जूम पे पीडीएफ मिल गया होगा, और आप लोगों के पास तो प्रिंट हुआ होगा एक प्रोग्राम। आप लोगों की सबकी बातें स्पेशली पिछले सेमिनार वालों की सुन के मैंने एक बनाया है, दैट इज कॉल्ड सैप। सैप क्या है कि फॉर द होल ईयर आपके पास इवेलुएशन हैं, आप अपने पेस पे चलें, अपने पेस पे चलते हुए 30 इवैल्यूएशंस फॉर सब ईच सब्जेक्ट जो है वो करवाएं, ठीक है। देर आर नो स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, हाउएवर आपकी मर्जी, आप एक हफ्ते में चार करा रहे हैं, आप एक हफ्ते में एक करा रहे हैं। हमारे ऊपर क्या स्ट्रिक्ट डेडलाइन है कि एवरी 10 डेज आपके पेपर चेक होके एक फीडबैक क्लास होनी है, जिसमें फीडबैक के अंदर आपके साथ 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के सिर्फ ये तो हमने बता दिया टेस्ट में कि चलो गलत ये है, फिर ये भी बताना जरूरी है कि इसको सही कैसे करना है। वहां पे फिर हम आउटलाइंस बनाते हैं जो आप पूछ रहे थे, ठीक है। फॉर एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव अटेम्प्टेड, अपनी मर्जी से अटेम्प्ट करना चाहिए या हमसे क्वेश्चन पेपर लेना चाहिए, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। बड़ा क्राइसिस यही होता है टेस्ट सेशन में, जो मैंने भी अपने टाइम पे देखा था कि गलती दिखा दी जाती है कि ये गलत है, ये गलत है, नंबर आपके 40 हैं या 50 हैं, ये कोई नहीं बताता कि अच्छा अब इसकी सही आउटलाइन क्या थी। नाउ हाउ डू यू फेच मार्क्स, एक तो हो गई वो चीज, और फिर आपका एवरी वेनसडे एवरी वीक एक ये वाला सेशन भी होगा जिसको हम एनालिटिकल लैब सेशन कह रहे थे, जिसके अंदर क्या होगा कि आपके पास थ्योरीज, आपके पास मॉडल्स, आपके पास रिकमेंडेशंस, आपके पास रिसर्च पेपर्स, आपके पास बुक्स का खुलासा, वो सारा का सारा प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखो आपका टाइम बचाना है, यू डोंट हैव 5 years लाइक मोस्ट पीपल हैव। आप इतने प्रिविलेज नहीं होंगे, मैं भी नहीं थी कि 5-5 साल बैठ कर सिर्फ CSS करूं। तो यू नीड somebody जो कि आपको ये सारी बुक्स को पढ़ के, ये चीजों को पढ़ के आपको मटेरियल दे, एंड देन वो सिर्फ देना भी बात नहीं होती, ऑब्वियसली आप तो उसके लिए कहीं से कोई रिकॉर्डेड लेक्चर को यूट्यूब भी देख सकते हैं। मकसद क्या होता है कि नाउ अगेन टेलर मेड, आपको बताया जाए कि अच्छा तुम्हारा इन्वायरमेंटल साइंस है, तुम्हारे में ये थ्योरी ऐसे फिट होती है, इस क्वेश्चन में ऐसे फिट कर सकते हैं। आपका अगर कोई आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उसके अंदर ये थ्योरीज, ये जो चीज हमने पढ़ी है ये कैसे फिट होगी, वो सारी कोर चीज है जिसका सारा का सारा गेम है, जो कि चीज आपको पता चलती है हमसे, ठीक है। अभी क्या हुआ होगा, थोड़ी देर पहले जब मैं बोल के गई हूँ ना कि एसे के अंदर या जेंडर से भी पॉइंट ले लो, ये भी ले लो, 90% लोगों ने सोचा होगा बस एसे हो गया, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे हो कि लिटरेरी एसेस का बता देंगे वो, तो थिंग इज कि इट हैज नो ओवर सिंप्लीफाइड आंसर। हसल करना है, भागना है, लेकिन इसको एक प्रोसेस के तौर पे भी समझना है। एसे कैसे करते हैं का 5 मिनट में कोई आंसर नहीं है, ठीक है। लिटरेरी एसे करते हैं का खसूसी तौर पे 5 मिनट में कोई आंसर नहीं, ठीक है। आपको जस्ट एक आइडिया दिया गया था कि थॉट प्रोसेस को शेप मोल्ड कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आप लोग, हम लोग जिस मीडियम ऑफ स्टडी से आ रहे होते हैं ना, वहां कभी ये जहमत नहीं की जाती कि हमें इंटरडिसिप्लिनरी बात की जाए। स्पेशली अनफॉर्चुनेटली फॉर डॉक्टर्स, हमें तो बस सीधा सीधा लिखना है, ये सिनेरियो डायग्नोसिस बताओ, चलो आगे चलो, ठीक है। ये ब्रेन का प्रोसेस बनाना जरूरी है, लेकिन ओवर सिंप्लीफाइड क्या चीज नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, वे ऑफ थिंकिंग। उसके अलावा सिर्फ आपको अगेन ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देनी होती कि क्लासरूम फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट करेगा, एनवायरनमेंट की सस्टेनेबिलिटी देगा। आपको उसके लिए वैलिड फैक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स चाहिए,
आपको उसके लिए स्ट्रक्चर, पुटिंग इट इन अ वेल डिफाइंड कोहेरेंट एंड रेलिवेंट फॉर्मेट वो चाहिए, ठीक है। दैट इज वाई ये सेशन ऐसे डिजाइन होता है। तो आप जैसे सेकेंड अटेम्प्ट की बात करें कि सेकेंड अटेम्प्ट है या लेक्चर पूरे हो गया या लेक्चर नहीं चाहिए या जॉब है लेक्चर नहीं ले सकते, गो फॉर सैप। सिंपली आप अपना लेक्चर्स वाला काम ना करें, इवेल्युएशन ढेरों ढेर आप अपनी लें थ्रू आउट द ईयर, और एंड पे इनफैक्ट उसके अंदर फुल लेंथ मॉक्स भी इंक्लूडेड है, और हर हफ्ते एक क्लास आके लें जो कि आपको हफ्ते में इनफैक्ट दो क्लासेस, वेनसडे की जो आपकी एनालिटिकल लैब है और जो आपका एक फीडबैक सेशन है आपकी अपनी इवेल्युएशन आपकी अपनी सबमिशन के ऊपर, उसको लें एंड कीप गोइंग विद इट। पीडीएफ आपको सेंड होता जा रहा है ग्रुप में भी, आपको यहाँ पे भी आया हुआ है जूम की चैट बॉक्स के अंदर। जूम का चैट बॉक्स खोलेंगे ना तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको जो है वो मिल जाएगा। बहुत सोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के, समझ नहीं आ रहा कि कौन से फॉलो करें, यही एग्जैक्टली दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि ये चीज जो है ना बॉटमलेस है। आप अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब खोल के बैठ गए ना, आपको तो एल्गोरिदम 50,000 वीडियोज ऐसे सजेस्ट करेगा, आपको लगेगा सारी देखनी है, फिर नहीं होती ना तो फिर आप कहते हो आगे कि मैडम मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो रहा है। लड़कियों के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं पता नहीं क्यों डिफेक्टो तौर पे जो है ना वो एक थेरेपिस्ट और काउंसलर बन जाती हूँ, या वो अज्यूम कर लेती हैं कि जिंदगी के हर मसला इससे आके डिस्कस करने, और फिर डिप्रेशन एंग्जाइटी जैसे बड़े बड़े अल्फाज यूज किए जाते हैं। वो इसीलिए होता है कि आप अगर देखो ये सीएसएस है ना, आप अगर इधर जा रहे हैं ना तब भी नहीं हो रहा और इधर आ रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। सीएसएस जहां तक है उसी लिमिट को हमें डिफाइन करना है, दैट इज योर प्राइमरी टास्क, ठीक है। दैट इज वाई यू नीड अ मेंटर, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा स्पेशल डिस्काउंट दे दें, स्पेशल डिस्काउंट वैलिड है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, डिस्काउंट ऑब्वियसली हैं, वी नो आपको इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बुरी तरह हिट करता है, ठीक है। इसी वजह से मैंने कुछ अर्सा पहले भी बात की थी कि ये जो वन ईयर प्रोग्राम है ना, ये आपको उतनी डिस्काउंट में उतनी अमाउंट में वन ईयर का प्रोग्राम दे रहा है जितना अदर अकेडमीज में सिर्फ आपके 5 मंथ्स के लेक्चर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज इट इज वैलिड आप इसको जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। किसी को रिप ऑफ करने की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो आप। अच्छा मुनव्वर ने कोई 12 दफा पूछा है, बल्कि 24 दफा पूछा हुआ है कि टीचर्स का स्केड्यूल्स का बता दें, ठीक है। सर आप बताना पसंद करेंगे प्लीज रिगार्डिंग द टीचर्स। इंग्लिश ऐसे मैं पढ़ाती हूँ, और मैं सिर्फ इंग्लिश ऐसे पढ़ाती हूँ कंपल्सरीज में, क्योंकि काम उतना लेना चाहिए जितने के साथ आप जस्टिस करो। यूरोपियन हिस्ट्री में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के कहने पर सिर्फ एक बैच पढ़ाना है पूरा साल में, एक बैच से ज्यादा नहीं, दैट विल बी इन सेप्टेम्बर, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन में मेरा टॉप था एट दैट पॉइंट और मैंने उसका सिर्फ एक बैच पढ़ाना है, एंड उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का सिर्फ पेपर 1। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है, मैं कभी नहीं मानती कि कोई टीचर कह सकता है कि मुझे थ्योरी भी उतनी अच्छी आती है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशंस भी अच्छे आते हैं, मुझे उसका आईआर का पोर्शन भी उतना ही अच्छा आता है, एटलीस्ट मैं तो ये क्लेम नहीं करती, ठीक है। आप या तो पॉलिटिकल फिलॉसफी व्हिच इज वन सब्जेक्ट ऑफ इट उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं और पढ़ाना जान सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एक सेपरेट डोमेन है आप उसको कर सकते हैं, या आईआर को कर सकते हैं, ठीक है। आप हरफन मौला होने को क्लेम नहीं कर सकते, व्हिच इज वाई पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 जो है वो मैंने पढ़ाने, क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आई हैव अ वेरी गुड ग्रिप। पेपर 2 जो है वो सर पढ़ाएंगे, सर मोजम। उसके अलावा आपका करंट और पाकिस्तान अफेयर सर मोजम ही पढ़ाते हैं, गोज विदाउट सेइंग। आपका जो बाकी है, अच्छा अब आप ट्रोल कर रहे हैं दूसरे अकेडमीज को, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, ठीक है, ऐसी बात मैं नहीं करती। मूविंग ऑन, आपके प्रेसी के लिए सर करीम अख्तर हैं, जो कि पीयू में कोई पढ़ता होगा तो उनको ऑलरेडी पता होगा, पीयू के इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथ वो हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इस्लामियात सर अरशद चद्दर साहब पढ़ाते हैं, आपने उनको देखा हुआ होगा, उनकी बुक है सिराज इस्लामियात, वो देखी हुई होगी, 17 ईयर्स से वो इस्लामियात पढ़ा रहे हैं। और जनरल एबिलिटी और जनरल साइंस अगेन उसकी फैकल्टी सेपरेट है, क्योंकि आई डोंट थिंक एनी वन कैन क्लेम कि मैं मैथ और साइंस दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, विच इज़ वाई जनरल एबिलिटी के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो सर नुमान है, फ्रॉम द पास्ट 6 to 8 years आई बिलीव वो मैथ्स को पढ़ा रहे हैं, और सर उमेर जो है वो आपको जनरल साइंस पढ़ाएंगे। सर उमेर के साथ आप में से बहुत सारे लोगों की बात ऑलरेडी व्हाट्सएप पे शायद हुई हो, क्योंकि उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करके उनको स्टूडेंट रिलेशंस के डायरेक्टर के तौर पे हमने कहा हुआ है कि आप फिलहाल इनको एंटरटेन करें,
क्योंकि होता क्या था कि अनफॉर्चुनेटली बहुत एक आई वुड से कि एडमिनिस्ट्रेशन का ना कुछ काल पड़ा हुआ है ज़माने में कि एडमिनिस्ट्रेशन यूजली बहुत बुरी तरह ट्रीट करती है स्टूडेंट्स को. तो कुछ अर्सा पहले तक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग थे जो कि बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट से आए थे एंड वी बिलीव्ड कि ये बहुत अच्छा कैरी करेंगे क्योंकि हमसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से आए. लेकिन इट वॉज फाउंड आउट कि वो तो या तो जवाब भी नहीं देते स्टूडेंट को या ऐसा जवाब देते हैं कि स्टूडेंट को बस मजा आ जाता है, जवाब दे देते हैं. यस, सो व्हेन आई फाउंड दैट आउट तो आई वाज अपॉल्ड क्योंकि यही बिहेवियर फिर स्टूडेंट्स के साथ हो रहा था जो कि मैं जिससे बच के भाग के मैंने खुद सीईपीआई का इनिशिएटिव जो है वो लिया था कि ये किस तरह से स्टूडेंट से बात हो रही है कि हमें तो तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम देख लो अपना अपना. सो सर उमेर से आपने जो है वो बातचीत जो है वो की हुई होगी. उसके अलावा ऑप्शंस की फैकल्टी सारी की सारी वो हमारे पेज पे भी है. सर हसन नवाज जिनका अभी कस्टम्स में टॉप है वो जेंडर स्टडीज और पंजाबी आपको पढ़ा रहे होंगे. एंथ्रो अगेन सर उमेर का उसमें टॉप था, ही हैड 87 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी, वो पढ़ा रहे हैं. आपके पास जो है कौन सा सब्जेक्ट रह जाते हैं उस तरफ? क्रिमिनोलॉजी और इंडो पाक हिस्ट्री सर मोजम ने पढ़ानी है. इंटरनेशनल लॉ जो है वो सर मोजम पढ़ाते हैं. इंडो पाक के भी अगेन लिमिटेड बैच हैं और आई लॉ का भी लिमिटेड ही बैच है, प्रॉबेबली एक या दो से ज्यादा बैचेस नहीं सिलेक्टिवली क्योंकि हमारा होता है कि स्टूडेंट्स को लिया जाए. थोड़े स्टूडेंट ले लो लेकिन अच्छे ले लो, ठीक है जी. बिजनेस एड करंटली वी आर नॉट ऑफरिंग, ठीक है. आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ सारे सब्जेक्ट से आ जाओ. हाँ बैचेस अगर बनते हैं ना स्टूडेंट के ऊपर है तो वी कैन डेफिनेटली ऑफर इट. फैकल्टी मौजूद होती है, ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स. हाँ ये जरूर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर. अच्छा फिलोसफी एंड पश्तो अगेन आपका बैचेस जो है ना वो स्टूडेंट्स आपके पास अगर साइजेबल नंबर है तो फैकल्टी इज देयर, आपको डेफिनेटली पढ़ाया जाएगा. अभी 12-14 मैंने आपको वो सब्जेक्ट शायद सारे ना बताए हूँ लेकिन 12-14 जो मेन सब्जेक्ट्स है ना आपके IR पॉलिटिकल साइंस ये वो ये सारे पेज पे भी मेंशन है, ये सारे के सारे यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं. और जो मैं बात कर रही थी कि बेशक आप लिमिटेड बैच ले लें 20 बच्चों को पढ़ा लें लेकिन अच्छा पढ़ा लें, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि कल इट वॉज प्रूवन के वो स्ट्रेटजी अच्छी है क्योंकि फ्रेंकली हमने इतने थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाया था थ्रू द पास्ट CS22 का होल ईयर कि मैं आपसे पहले भी कही थी आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसमें से इतने परसेंटेज वाइज अच्छा रिजल्ट आएगा. बट वो चीज़ आई एम ग्लैड कि क्वालिटी नॉट क्वान्टिटी वाली बात हुई, लेस इज मोर वाली बात है कि थोड़े बच्चों को अगर आप ज़ाती तौर पर जानते हो उनके बारे में बात कर सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो कि उसका ये हिसाब चल रहा है, उनसे बात कर सकते हो कि तुम्हारा ये इशू है, आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर. आपको काम में भी सेटिस्फेक्शन होती है और स्टूडेंट को भी उसका कोई फायदा होता है. हजारों लोगों को पढ़ा के उसमें से कोई भी ना हो फिर आप पोस्टर लगा रहे हो तो आई थिंक दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर एनीवन. अच्छा सर आप भी प्लीज आ जाए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एंटरटेन इकट्ठे ही कर लिए जाए तो बेहतर है. अच्छा यहाँ तक तो मैंने सारा एड्रेस कह दिया क्योंकि कैंपस के स्टूडेंट बहुत कम बोल रहे हैं तो मेरा ध्यान ज्यादा ऑनलाइन पे और मुझे लगता है कि आप क्योंकि आकर बिल्कुल ही सहम गए हैं कि अच्छा पता नहीं करना भी है या नहीं करना, ठीक है जी. मैं बता देती हूँ सर का जो सेशन था ना कल डिटेल वाला वो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी अपलोडेड है. आपको उसमें सर ने डिटेल में कुछ डूज बताए हैं, डिटेल में कुछ डोंट्स बताए, ठीक है. मैं अगर समराइज करूं तो पहली तो चीज ये है कि प्लीज नेवर टेक इट एज अ लाइट थिंग. ये मत समझिएगा कि मैं अभी आपको जो बता रही हूँ उसकी बेसिस पे आप फैसला कर लेंगे. हम इवन ऑप्शनल के सिलेक्शन पे अपने स्टूडेंट्स को 4 लेक्चर सेपरेट कराते हैं 1-1 वीक अपार्ट से ताकि उनका फैसला जो बने वो सही बने क्योंकि दिस इज समथिंग वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका मैं कहती हूँ कि CSS उसी दिन हो जाता है या नहीं हो जाता जिस दिन आप अपने सब्जेक्ट सही या गलत डिसाइड करते हो. तो इट इज सो इम्पोर्टेंट समराइज करना अगर उसको जिसको हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्रेंड नहीं देखना, देर इज नो थिंग लाइक अ ट्रेंड. गो विद योर इंटरेस्ट,
गो विद इट कि आप किस सब्जेक्ट के साथ 6-8 महीने बैठ सकते हैं। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो इतनी खप है ना, सच अ पेन ओवर योर हेड, ये आप तब ले सकते हो जब आपका वाकई उसमें इंटरेस्ट बन रहा है, अदरवाइज इतना नहीं बैठा जाता किसी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, आपके पास सर ने कुछ प्रायर बैकग्राउंड की बात की थी, आप पे वो आर्गुमेंट अप्लाई नहीं होता क्योंकि MBBS के स्टूडेंट का कोई प्रायर बैकग्राउंड नहीं होता। ठीक है, देन देयर आर सर्टेन डूज के आपके पास अच्छे टीचर किसी सब्जेक्ट के अवेलेबल हैं या नहीं इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ऑप्शनल मिथ है कि कंपल्सरी एक दफा हो जाए तो ऑप्शनल तो गेम है, ऐसा नहीं होता। ऑप्शनल आर टफर देन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि ऑप्शनल जो है ना वो स्पेशलाइज स्टडी है, कंपल्सरी जनरलाइज्ड है, उसमें आप रोज नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। मसलन आप करंट अफेयर्स में कभी हाइब्रिड वॉरफेयर पढ़ रहे हैं, कभी आप यूक्रेन क्राइसिस पढ़ रहे हैं, अगले दिन आप 18th अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, तो कभी इंटरनेशनल, कभी लोकल, कभी ग्लोबल, कभी कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज। ऑप्शनल में आप रोज पंजाबी को पंजाबी ही पढ़ते जा रहे हैं, आप तंग आ जाते हैं कि ये कपलेट्स, ये शेर ही नहीं खत्म हो रहे। आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल नीड मोर डेडिकेशन एंड टाइम। ठीक है, उस लिहाज से अच्छा टीचर और अच्छा मटेरियल कितना अवेलेबल है, मटेरियल एज वेल इज अ सेपरेट मैटर, क्या उस पर लेक्चर्स कितने अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके जो यूरोपियन हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है ना, उस पर ऑनलाइन बहुत अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इट मेक्स लर्निंग वेरी ईजी फॉर यू, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा रूखा सब्जेक्ट है, जब तक एनिमेशन कुछ इंटरैक्टिव चीज नहीं मिलती मुश्किल हो जाता है रिटेंशन। ठीक है, उसकी बुक्स कितनी है, सोर्सेज कितने, ये सारी चीजों का मिक्सचर है, उसको डिटेल से देख लीजिएगा। जी मेरे सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरे सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, ठीक है, पंजाबी, और मेरा सब्जेक्ट था क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट एक दूसरे से रेडिकली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी टीचर पता है क्या कहेगा, पॉलिटिकल साइंस के साथ यूएस हिस्ट्री रखो, फिर सोशियोलॉजी रख लो, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रख लो, और फिर जो है आप क्या रख लो, जेंडर रख लो, सारे सोशल साइंसेज हैं, आपका ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि आपने अगर जिंदगी में एक दफा सीएसएस करना है ना, तो आप प्लीज उसको एक दफा जान मार के कर लो। ठीक है, रोज रोज सीएसएस नहीं होता, फिर रोज आ रहे होते हैं बच्चे कि अब मैं ये सब्जेक्ट चेंज कर लूं, अब ये तो थिंग इज गो विद योर इंटरेस्ट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के साथ एनवायरमेंटल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री के साथ भी कहते हैं, यूरोपियन हमेशा IR और इंटरनेशनल लॉ के साथ रखा जाता है। आई टुक द बिग स्टेप क्योंकि क्रिटिसाइज उसको किया गया, लेकिन उसमें भी टॉप हो गया। पंजाबी में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मेरे घर में पंजाबी नहीं बोली जाती क्योंकि फैमिली मेरी अम्मा दिल्ली की है, मेरे अब्बा पठान है, तो यू कैन इमेजिन, लेकिन इंटरेस्ट क्योंकि लिटरेचर में जनरली है तो कर लिया। ठीक है, आपके पास क्रिमिनोलॉजी एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप करता होगा, लेकिन मुझे इसमें मजा आ रहा है, तो मैं इसको बड़ा डिटेल में, डेप्थ में पढ़ सकती हूँ, उसकी थ्योरीज पे मैं दिन रात बैठ के पढ़ूंगी, मैं अप्लाई कर सकती हूँ, आई कैन अप्लाई माई सेल्फ एंड माई ओन कॉन्सेप्ट्स, आई विल डू इट। फिलोसफी को बड़े अरसे से लोग कहते थे ये करना ही नहीं है, पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है, फिलोसफी बहुत अच्छे मार्क्स देता है अगर आपको उसकी जेन्युइनली अच्छी हैंडलिंग आती है तो। ठीक है, पॉलिटिकल फिलोसफी जब आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में, तो यू विल गेट एन आइडिया कि इट्स नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। हाँ, लेकिन अगर आपको राइट वे में समझाया जाए ना, तो इट इज सो इंटरेस्टिंग, उसमें कुछ भी बोरिंग या बुरा या गलत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को आर्केइक नहीं बना देना चाहिए, लेबल नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं इस चीज के ना एक दो चीजें आपके साथ एक और चीज में फर्दर ऐड करता हूं। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के अंदर ना जो एक चीज सबसे बुरी है, मतलब सबसे बुरा है, वो ट्रेंड, राइट? ट्रेंड का वर्ड ना एक बहुत बुरा वर्ड है, क्योंकि इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। बड़ी सिंपल सी बात, मैं समझता हूँ कि सिविल सर्विसेज के अंदर आप ही ट्रेंड सेटर है और आप ही ट्रेंड स्पॉइलर है। कैसे? आपने मेहनत की एक सब्जेक्ट, आपने मेहनत करके उसमें नंबर लिए,
दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक सर्टन डिपार्टमेंट में एलोकेशन के लिए कोई एक सर्टन सब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है। अगर आपने फॉरेन सर्विस में जाना है, जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ ही पढ़ना। अगर फॉर एग्जांपल आपने डीएमजी ग्रुप के अंदर जाना है, ईएस में जाना है, जरूरी नहीं है कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़नी पड़नी, राइट? इंडिया के अंदर डिफरेंस है, इंडिया के अंदर वो सब्जेक्ट आप तक होगा अपना तो ही आप उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। So you can opt any subject of your choice and you can opt for any department of your choice. No subject is important or prerequisite to go for a certain department. मेरी बात समझ आ रही है? ऐसे मौके के ऊपर दूसरा काम जो आपने नहीं करना ना, एक काम आप ट्रेंड के अंदर नहीं जाना, दूसरा काम एक चीज आपने अपने जेन से जेन के अंदर डाल दी, आपने कभी कोई सब्जेक्ट मैटर किसी के कहने पे नहीं करना, राइट? एक बंदा की अपनी सर्टन आइडिया, एक बंदे का अपना सर्टन डोमेन, उसकी अपनी सर्टन थॉट है, उसको वो सब्जेक्ट ज्यादा समझ आता है, वो आपको कहेगा आप ये रख लो, एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको नहीं समझ आएगा। हो सकता है वो आपका वाइब ही मैच ना करे उस सब्जेक्ट के साथ, या मुझे नहीं समझ आ रहा है सब्जेक्ट, मैंने मजबूरन रख लिया क्योंकि मुझे किसी ने जहर नहीं बकर ने कहा था कि मैं पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ाएंगे वो आपको, क्योंकि जब नवंबर दिसंबर आएगा ना, जब आप लोगों को मुझे पढ़ाओ, वो अपनी की टेंशन में होंगे कि फरवरी में पेपर आ गए और मेरे तीन सब्जेक्ट पढ़े हुए, वो कहेगा रहने दे भाई मैं नहीं आऊँ पढ़ा दूंगा। तो एक आपने काम जो नहीं करना वो ये नहीं करना कि नेवर ऑप्ट अ सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज ऑप्टिंग दैट सब्जेक्ट, राइट? डोंट गो फॉर दैट। कोई बात नहीं, एक आप अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं। किसी ने आपको ये नहीं कहना कि भाई फॉर एग्जांपल आपने सब्जेक्ट क्यों लिया, ये सब्जेक्ट लेने वाली नहीं था। आप जब नंबर लेंगे ना, उस आपसे ये पूछेंगे मैडम क्या मांगते हैं, ठीक है, नंबर लेंगे एट द एंड ऑफ इट। आप इसको छोड़ दें, एक बंदा कहेगा जी आपने राइट जाना, दूसरा कहेगा राइट तो जाना पाप है, आपने लेफ्ट जाना था, आपने मैं पता नहीं कहां चली गई। इसलिए मैं आपको शुरू में एक बात बताई, मैडम ने बात बताई, एक टीचर को पकड़े, उसके साथ साथ चलते हैं, राइट सर राइट, लेफ्ट सर ऑलरेडी लेफ्ट, मेरी बात समझ आती। उसके लिए आप जो पहले वो लेक्चर आप देख लेंगे ना ऑनलाइन, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर पढ़ा, आपको उसमें से डूज एंड डोंट्स मिल जाएंगे। मैंने उसमें 6-7 डूज बताए हैं कि ये डूज होने चाहिए सब्जेक्ट को फाइनल करते वक्त, और एक 4-5 डोंट्स हैं जो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। उसमें सबसे पहले मैंने ये बताया, डोंट ऑप्ट द सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज टेलिंग यू टू ऑप्ट दैट सब्जेक्ट। इंटरेस्ट होगा आपका ना किसी चीज के अंदर, मैडम मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, किसी चीज में इंटरेस्ट होता है ना, आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है उसके अंदर। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता ना, मजबूरन रखी होती है और वो काम नहीं हो रहा होता, आप उसको कहते हैं यार तो पहले ही मुझे मजबूरी में रखा है और ऊपर से हो भी नहीं रहा, तो आप उसको शॉव इट ऑफ कर देते, राइट? तो वो काम खराब हो जाता है सारे के साथ। तो अब लेक्चर पर देखेंगे ना, सॉरी क्विक क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हो कि फियर ऑफ राइटिंग कैसे खत्म होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फियर ऑफ राइटिंग हमेशा राइटिंग से ही खत्म होता है, और वो तब होता है जब आपको कोई जबरदस्ती बैठ के लिखा है। आपके सेशन में 60 टेस्ट हैं, आपके 36 टेस्ट उसके बाद हैं, 12 फुल लेंथ मॉक हैं, इतने टेस्ट देने के बाद कोई फियर ऑफ राइटिंग नहीं लिख रहता। बात यह है कि जब आप किसी चीज को रिफ्लेक्स हैबिट डेली की चीज बना लेते हो ना, वो नॉर्मल यूजुअल लगने लगती है, फियर नहीं रहता, वो आपकी पार्ट ऑफ रूटीन बन जाती है, ठीक है, फियर नहीं रहता, लिखना जरूरी है। कोऑर्डिनेटर सर का नंबर जो है वो मैंने आपको भेज दिया है, आपको सर वैसे भी मैसेज करते जा रहे हैं, ये पीडीएफ डाउनलोड प्लीज चैट बॉक्स से कर लें। उसके बाद आपका क्वेश्चन है जून बैच कब स्टार्ट हो रहा है, जून बैच जो है वो 15th जून से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक से, और आपके टाइमिंग जो है मॉर्निंग इवनिंग के वो आपको सर जो है वो कन्वे कर देंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। तो मुझसे अगर आप मशवरा लें तो इवनिंग से बेहतर है कि अगर आप मॉर्निंग बैच में आए। मेरा एक सर्टन बायस है टुवर्ड्स going for morning batches, क्योंकि I believe कि आपका जो एक natural diurnal rhythm चल रहा होता है, आपकी एक routine चल रही होती है ना, वो बेहतर align हो जाती है अगर आप morning batches में आके for example 9 to 2 class लेते हैं, 9 to 2 ही होती है class, उसके बाद आप घर गए, an hour or 2 hours आपने rest या commute का खाने का time निकाल लिया,
चार बजे से ऑनवर्ड्स आपके पास पूरा दिन है, आप रात 12 बजे तक 10 बजे तक आराम से खुल के अपना चीजें खत्म करके कोई अपनी वॉक एक्सरसाइज कुछ भी स्लीप करके मजीद स्लीप कर सकते हैं और सुबह उठ के आराम से योर डे इज वेरी ब्यूटिफुली अलाइंड। इवनिंग बैच में अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो ना शाम 4 बजे क्लास, आप उठ ही 12 बजे रहे हैं, ठीक है, यू हैव वेस्टेड द गोल्डन आवर्स ऑफ द डे जो कि शुरू से स्टार्ट होते हैं दिन के। एक बुक है इनफैक्ट इसके रिगार्डिंग, इट्स कॉल्ड द 5 AM क्लब, आप उसको कभी कोई समरी कुछ देख सकते हैं। 5 AM क्लब के अंदर इट्स अ बेस्ट सेलर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, वो कहता ही है कि जो जितने भी सक्सेसफुल दुनिया में एंटरप्रेन्योर्स पीपल जो भी हैं वो 5 AM पे इट्स अ वेरी गोल्डन टाइम जब उठते हैं। 20 मिनट्स फिर आप अपनी एक्सरसाइज को दें जिसमें आप बॉडी को अवेक करें, 20 मिनट्स आप कुछ अच्छा रीड करने पे दें जिसमें माइंड अवेक हो, और 20 मिनट्स आप मेडिटेशन या इन आर केस नमाज को दें जिससे स्पिरिट अवेक हो। पूरे 6 बजे जो है ना काम पे लग जाएं, 6 से सुबह 10 बजे 9 बजे तक आपके पास 3 एक्स्ट्रा आवर्स हैं लेक्चर से पहले जिसमें यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ सो वेल एंड गेट डायरेक्टली टू वर्क। 9 से 2 लेक्चर लें, फ्रेश घर जाके थोड़ा सोएं, उठें, आपका दिन बहुत अच्छा निकल जाता है अगर मेरे से पर्सनली आपने रिकमेंडेशन लेना हो तो। अच्छा, उसके अलावा सब्जेक्ट सिलेक्शन बिल्कुल हम कराते हैं, मैंने आपको बताया कि हम 4 सेशन उस पर कराते हैं और इंडिविजुअली अलग सब्जेक्ट्स का भी आपका हो सकता है। मुझे बस 1 मिनट दे, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। अच्छा जी, आप अगर फॉर एग्जाम्पल जून में स्टार्ट कर रहे हो, वी आर कमिटेड के टिल द एंड ऑफ द ईयर टिल योर डेट ऑफ एग्जाम वी आर हियर, ठीक है, उसके मुताबिक आपका प्रोग्राम जो बना हुआ है। अगर आप जून में स्टार्ट करें तो इट्स बेटर, क्योंकि मैंने आपको बताया जून से अक्टूबर तक आपके क्लासेस हुए, नवंबर दिसंबर जनवरी आपके टेस्ट हुए, ठीक है। ऑब्वियसली आप जुलाई या अगस्त में ज्वाइन करते हैं तो डैट इज अप टू यू ना कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो, हमने तो 1 ईयर दिया हुआ है, राइट। आप जुलाई अगस्त में ज्वाइन करोगे आप जल्दी फिर आपका सेशन रैप होगा लेक्चर्स का, ताकि आप जो है टेस्ट पे जाओ, फिर टेस्ट पे भी टाइम आपका थोड़ा रह जाएगा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली आपको क्लासेस और सिलेबस चाहिए, सीधी सीधी बात है, राइट। इन दैट केस आपके पास मेंटरशिप का प्रोग्राम है जो कि आपको 5 मंथ्स की क्लासेस भी दे रहे हैं और 5 मंथ्स तक टेस्ट्स हैं, आप उसको ले सकते हैं। बेटर ये है कि आप 1 ईयर कर लें, क्योंकि उसमें आपके 5 मंथ्स की क्लासेस और टेस्ट भी हैं, उसके बाद आपके नवंबर टू जनवरी के भी टेस्ट हैं और आपकी जो है वो आखिरी के फुल लेंथ मॉक्स भी हैं। स्पेशल सेशन ये वेनसडे के जो एनालिटिकल लैब सेशन होते हैं, आपका जो फ्राइडे का स्पेशल सेशन होता है, आपके वीकली टेस्ट हैं, आपकी लाइब्रेरी की सब्सक्रिप्शन है, वो सारा कुछ इसमें फॉर फ्री जो है वो included. If you are a first attempt wala person, go for either mentorship program or aapka jo hai wo 1 year program, jo pros honge. Theek hai. Agar aapka first attempt nahi hai, aapka second attempt hai, ya first attempt mein bhi aapke lectures, let's suppose, pure ho chuke hain. Aap agar hume kehte hai na ki main pad chuka hu syllabus, mujhe aata hai sab kuch, mujhe sirf number lena seekhna hai. To aap SAP karein, SAP ke andar aa jayein. Theek hai. Ye aapka simple sa formula hai. तैयारी सही की हुई है, वो बंदा मुझे चेक कर दे, इवैल्यूएट कर दे, इवैल्यूएट करने के बाद मुझे बता दे कि आगे मैंने क्या करना, राइट नाउ दैट इज सैप। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर मैंने बिल्कुल जीरो से तैयारी करनी है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले पढ़ना कैसे है, मुझे ये बताएं स्केड्यूल कैसे बनाना है, मुझे ये बताएं ऐसे कैसे तैयार करना है, मुझे बताएं पाकिस्तान फिर कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए फिर आप 1 ईयर प्रोग्राम में आओ या मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आओ। 1 ईयर प्रोग्राम और मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये है कि मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो हमारा स्पेसिफिक टाइम तक है ना, जब हमारी क्लासेस खत्म हो गई तो खत्म हो, उसके बाद यस उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा टेस्ट, इन 5 महीनों में तो हर हफ्ते टेस्ट है ही है, राइट, वो तो आपके टेस्ट होने ही होने हैं, मतलब आपके पास जो है टेस्ट टोटल मिला के 60+ टेस्ट आपके पास बन जाते हैं, राइट। उसके बाद अगर आप कहते हो कि सर मुझे मजीद इवैल्यूएशन करवानी है, तो मजीद इवैल्यूएशन के लिए फिर आपको सेपरेटली साइन अप करना पड़ेगा आखिरी 3 महीनों के लिए। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर आज मैंने शुरू किया है ना, मैंने पेपर की रात को भी आपको मैसेज करना है कि सर सुबह में क्या करूं, तो फिर आप 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर आओ,
ठीक है, गैस्ट्रोजोन के अंदर, तो उसमें आप आओ क्योंकि आप उसके अंदर 5 months की प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद आपके टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, राइट? फिर आप टेस्ट लेते जाओगे, टेस्ट के बाद फिर आपका फुल लेंथ मॉक होगा, फिर आप फुल लेंथ तैयारी करोगे उसकी, राइट? और मैं पिछले 2-3 साल से मेरी एक अजीब सी आदत है, मैं कोई एक आधा सेंटर होता है लाहौर के अंदर, मैं जिसमें खुद भी जाता हूँ, सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे पहुंच जाना, मुझे हमेशा भूगोल के स्टूडेंट वहां पे मिलते हैं और वहीं पे खड़े होकर हम डिस्कशन करें, अच्छा भाई कैसे आना है, क्या करना है सर, ये कर लो तैयारी, हमेशा पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स के पेपर से पहले मैं जरूर जाता हूँ, राइट? कोई ना कोई मिल जाता है वहां पे, सर मुझे बताएं जरा, अच्छा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करो, क्या पढ़ा था, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, रिवाइज हो गया, गुड जाओ आगे चलो, राइट? तो मैं वो बात है कि अगर आपको टिल द लास्ट डे यू नीड समवन, कि एक बंदा डंडा लेके ऊपर बैठा हुआ है, राइट, एंड यू हैव समवन टू टॉक टू, राइट, देन प्रोजोन इज योर ऑप्शन, राइट? लेकिन आप कहते हो कि सर ऐसा करता हूं, मैं पहले मेंटरशिप की क्लासेस लेता हूं पूरी, उसके बाद 1 महीने का ब्रेक लूंगा, मैं अपनी तैयारी करूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट सीरीज में सेपरेट आ जाऊंगा, फिर आप सिर्फ मेंटरशिप में आ जाओ ताकि उसकी क्लासेस कंप्लीट करो, फिर आप अपनी तैयारी अपने पर्सपेक्टिव से लेदा भी कर सकते हो। आप अभी आप मतलब जब आप साइन अप करोगे उसके लिए, हफ्ते में 4 पेपर दे रहे हैं, हफ्ते में 1 दे रहे हैं, आपके ऊपर सैप के ऊपर सैप के अंदर, लेकिन सैप में ये है कि आपके हफ्ते में 2 सेशंस लाजमी हैं जिसके अंदर आपके पेपर्स के ऊपर इवैल्यूएशन और सही आउटलाइन प्रोवाइड की जा रही है, रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करना उसमें भी इंक्लूडेड है, एंड देन यू हैव द एनालिटिकल लैब सेशन एज वेल जिसमें थ्योरी ये जार्गन ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक क्वेश्चन उसके बाद मैं आप पे आ रही हूँ, वो ये है कि नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी आप पूछ रहे हो फातिमा, तो नोट मेकिंग स्ट्रेटेजी ये है कि नोट्स हम खुद बनवाते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपके सारे नोट्स बन के जाएंगे, और उसके अलावा एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग ऑफेंसिव आई वुड ऑल्सो से कि यूजली ये होता है कि मैं मान यकीन से कह सकती हूँ कि कोई भी जो आपकी एकेडमी है ना वो पहले से नहीं करती कि आपका 15 से अगर सेशन स्टार्ट हो रहा है तो 10 को वो आपको बुक्स का पूरा पैक दे दें कि इनके साथ बैठो इनको पढ़ो, बुक्स की ज़रूरत है आपको, ठीक है, आपको चने भटूरे की जरूरत नहीं है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज व्हाट यू नीड टू सिट विद। आपका सरप्राइज यही होना चाहिए कि एक दिन आपके घर पे कोरियर आ गया कि ये 10-15 बुक्स का बंडल है जो कि आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा कि दीज 15 बुक्स नीड टू बी विद यू एट ऑल टाइम्स, ठीक है, जो कि हमारे अपने ही नोट्स हैं जिनको एज अ हेल्प या एड के तौर पर लेके आप चलेंगे तब आपका लेक्चर जो है गुजरेगा, ठीक है, तो ये हमारी जो नोट मेकिंग की जो है वो स्ट्रेटेजी है। हाँ जी जी, अच्छा सर को बता दें, सर उमेर को, अच्छा और एज रिलैक्सेशन बता दें, मैं बता दूं, अच्छा मैं एक एक करके क्वेश्चन ले लेता हूँ। अच्छा, एज फार एज एज रिलैक्सेशन इज कंसर्न ना, अभी तक रूल्स के मुताबिक 30 years इज द मैक्सिमम एज जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सो व्हेन इज 30 का मतलब ये है कि जिस दिन आपने जो है वो अप्लाई किया, राइट, उससे अगले दिन आप अगर 30 क्रॉस कर गए हैं, राइट, तो आप अपीयर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2024 के अंदर पेपर देना है, 2024 के अंदर, तो 2024 का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2024 को आपकी एज 30 ना हुई हो। अगर आपकी एज 1 जनवरी 2024 को 29 years and 363 days है तो आप अपीयर हो सकते हैं। मेरी बात समझ आती है? तो 1 जनवरी 2024 को अगर आपकी एज जो है वो 30 years and 1 day हो गई है तो आप अपीयर नहीं हो सकते सीएसएस के अंदर। ये बड़ी सिंपल सी बात है, अनलेस आप कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, राइट, और गवर्नमेंट ऑफिसर होने की वजह से आपको 2 years की वैसी रिलैक्सेशन मिल जाती है, राइट? कितने अरसे मतलब स्पेसिफिकली नहीं, हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ना हो ना, सर्विस जितनी मर्जी हो, सर्विस जितनी मर्जी होनी चाहिए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ना हो, मेरी बात समझ आती है, वो परमानेंट होनी चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं, नहीं, वो मिनिस्ट्रियल कोटा है, सेपरेटली भी आपके पास आता है मिनिस्ट्रियल कोटा, पीएमएस सीएसएस में ऐसा नहीं। यू कैन गो फॉर एनी योर अटेम्प्ट ऑफ सीएसएस इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड यू हैव ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ गवर्नमेंट ऑफिस, अनलेस योर ऑफिस इज या योर जॉब इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, तब आप नहीं आ सकते। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है तो फिर आप आ सकते हैं, राइट? और क्वेश्चन, आप राइट, सो आप पीएमएस की तरफ जाना चाहते हैं, राइट? आर यू करंटली सर्विंग समवेयर, राइट?
हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कितने साल से पढ़ रही है, पढ़ा रही है, पांच साल पढ़ा रही है ना, तो आप मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए एलिजिबल है। अब आपका 17 ग्रेड हो गया, कब कंप्लीट हुआ? स्टार्ट ही 17 से हुआ था, ठीक है। हाँ तो उसके लिए तो फिर आपको चार साल के एक्सपीरियंस चाहिए मिलेगा, आ सकते हैं। 35 नहीं, आप उसको 34 कर लेना उसका, लेकिन वो 35 होना नहीं ना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज उसकी वो होती है ना, 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के अंदर काउंट करते हैं, राइट। तो आपकी अगर 32 हो जाएगी और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है, परमानेंट है, तो आप ईएमएस के लिए एलिजिबल, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ सवाल था पहले आपका, इंग्लिश मैडम, इंग्लिश की कोई एक एक्सप्रेशन को कैसे बेहतर करिए जरा सा। इंग्लिश के एक्सप्रेशन को बेहतर करने का सबसे उसकी मैं वजह बता देती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ही माठा है ना, वो अगर पढ़ रहा है ना डॉन के आर्टिकल, इकोनॉमिस्ट, फॉरेन अफेयर्स के, इसी से मेरा एक्सप्रेशन मजीद बेहतर होगा। एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आप इस तरह के जर्नल्स को या हैवी इन्फो से लोडेड चीजों को पढ़ रहे हैं ना, तो आपका सारा ध्यान ही कॉन्सेप्ट पे है, राइट। यू आर टू इनग्रोस्ड विद इन द स्टोरी बिहाइंड इट, विद इन दी डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग। आपका उसकी उस आर्टिकल को या जर्नल को पढ़ते हुए उसके एक्सप्रेशन पे या ग्रामर पे या स्पेलिंग पे ध्यान नहीं जाता, क्योंकि आपका माइंड का सारा अटेंशन जो है वो इस चीज पे है कि फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन में क्या हो रहा है या यूएस चाइना में क्या हो रहा है। यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द ग्रामर और एक्सप्रेशन ओवर देयर। अगर आपको एक्सप्रेशन को जेन्युइनली बेहतर करना है ना, तो यू नीड टू डू दिस कि आप जनरल रीडिंग को करें, ठीक है। कुछ ऐसे जनरल आर्टिकल्स, कुछ ऐसी बुक्स को, ऐसे स्टोरीज को, इवन वो फिक्शन भी हो सकती हैं, पढ़ें, जहां से आपका जो है वो ग्रामर, एक्सप्रेशन, पंक्चुएशन की आपको समझ आए, ताकि आपका ध्यान उनको पढ़ते हुए सिर्फ उसके एक्सप्रेशन लैंग्वेज पर ही हो, रादर देन दिस कि आप इस उलझन में उलझे हों कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको मैंने याद रखना है, फिर आपको पेपर में कॉन्सेप्ट ही याद रह जाते हैं, ठीक है। तो देर आर सर्टन रिकमेंडेड रीडिंग्स जो कि पर्टेनिंग टू फिक्शन है लेकिन एप्लीकेबल टू CSS भी है, जो कि मैं स्टूडेंट्स को बता देती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप ट्वाइलाइट पढ़ रहे हो घर जाके, ठीक है, पढ़नी भी वो चीज़ें, जैसे 1984 इज अ बुक जिसकी आप समरी पढ़ सकते हैं, जो कि एंड पे CSS के इंटरव्यू में सबने अपनी फेवरेट बुक वही लिखी होती है, ठीक है। उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आर रेलिवेंट विच कैन बी कोरिलेटेड और कोटेड इन द पेपर। एनिमल फार्म एक ऐसी बुक है, रे ब्रैडबरी की कुछ ऐसी चीजें हैं। सो दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू रीड जो कि जनरल रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है उसकी आपकी जनरल राइटिंग एज वेल। आप जैसे बचपन में अगर जर्नल या डायरी लिखते होंगे ना, आप अगर दिन में रात को सिर्फ 5 मिनट भी कुछ लिख के सो रहे हैं, तो पैसिवली योर राइटिंग इज गेटिंग बेटर, क्योंकि अगेन आपका फोकस अब उस पर नहीं है। जैसे आप पेपर को हल करते हुए आपका दिमाग सारा प्री ऑक्यूपाइड होता है उसकी कॉन्सेप्ट या नॉलेज के ऊपर ही, ठीक है। जनरल राइटिंग करेंगे ना, तो आपका ध्यान राइटिंग पे ही रहेगा, एक्सप्रेशन के फ्लो पे ही रहेगा, ठीक है। देयर इज अनदर थिंग व्हिच आई लाइक टू कॉल कि ये आपकी क्या होती है, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज होती है। ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसकी आपको जरूरत भी बहुत है बीइंग एन एस्पायरेंट, और आपकी राइटिंग का एक्सप्रेशन बेहतर हो जाएगा। वो क्या है कि एवरी टाइम यू गो टू स्लीप एवरी नाइट 5 मिनट बस निकाल के एक सेपरेट कॉपी या डायरी रखें जिस पे जस्ट राइट के Today I am thankful for this. Today I am thankful for का phrase लिख के रख लें, उसको रोज fill कर लिया करें, that's all. You will sleep positively as well, क्योंकि आपका जहाँ focus होता है ना सोते हुए कि आज ये नहीं हुआ, वो focus shift हो जाएगा इस चीज पे कि आज मेरा ये हो गया, at least I did this or achieved this. And passive writing में your expression will get better as well. बाकी test तो देने ही देने। ये अमन का answer कैसे हैं, काफी दफा अमन का क्वेश्चन है, थोड़ी सी उनको जगह दे दें, मैं आपकी तरफ आती हूँ। वो कह रही है जुलाई में मैं ज्वाइन कर, आप जुलाई में ज्वाइन कर सकती हैं, बट रेकमेंडेड यही होता है कि द अर्लियर यू ज्वाइन द बेटर इट इज, क्योंकि स्पेशली जो लोग मई में आ गए थे उनका बैच बड़े आराम से एंड हो जाएगा। जून में स्टिल देयर इज अ वेरी गुड विंडो पीरियड दैट देयर इज। अगस्त ऑनवर्ड्स फिर आपके पास ना ज्यादा हबड़ दबड़ ज्यादा हो जाती है, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट। जी क्या चीज, हाँ हाँ डेफिनेटली
डेफिनेटली डेफिनेटली 1 year प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। हां जी, तो लास्ट में एक्चुअली कुछ ग्रेजुएट की वीडियो शेयर करना था, और हम कंपल्सरी की कैरी आप लोग करवाई नहीं यार, ऑप्शनल की दोनों अच्छा, उसके लिए दो चीजें हैं हमारे पास। जैसे मैडम ने आपको बताया ना कि मिनिमम हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हो ना तो हम एक सब्जेक्ट ऑफर कर देते हैं, लेकिन एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न ना, इसका मैं आपको एक मशवरा दूंगा। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे को देखा है कि जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल सर्टन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन जब वो सिलेबस निकालते हैं ना सब्जेक्ट का, तो उनको रियलाइज होता है कि जो चीज उन्होंने पढ़ी हुई है ना सिलेबस में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो आप मुझे आपको एक मशवरा ये दूंगा कि आप सीएसएस की केमिस्ट्री का सिलेबस निकालें, उसके पास पेपर निकालें 20 साल के, राइट और ये देखें कि जो केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है अपने बैचलर्स और मास्टर्स में, क्या एग्जैक्टली वही आपके सिलेबस में है? अगर उससे जो आपके पास डिफरेंस है, इसका मतलब आपको दोबारा कहीं से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सेम है तो उसका मतलब आप वही रिवाइज करेंगे सारा कुछ। लेकिन उसके साथ कोशिश कीजिएगा सिलेबस निकालने के साथ ना पास पेपर जरूर निकालिएगा। समटाइम्स सिलेबस में कोई चीज क्लियर लिखी होती है, लेकिन पास पेपर में एग्जामिनर हमेशा ट्विस्टेड क्वेश्चन देता है, तो फिर आपको ये समझ आएगी कि मुझे सिलेबस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस तो वही है जो मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन को हल करने का तरीका आना चाहिए। सो इट डिपेंड्स बेसिकली कि वेयर यू लाई, डू यू एग्जैक्टली नीड कोचिंग और यू एग्जैक्टली नीड समवन हु टेल्स यू कि अच्छा भाई तुम्हें आंसर में ये लिखना है, राइट। उसके लिए आप, मेरा मशवरा आपको ये है कि आपने केमिस्ट्री ऑप्ट करें, बिल्कुल करें, आपके पास उसकी उसकी कमांड भी होगी, लेकिन उसका ना सिलेबस पहले देख लीजिएगा और उसके 20 साल के पास पेपर्स निकाल लीजिए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, आपके पास जो है वो दूसरी तरफ आ जाए तो आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री है, इंडो पाक हिस्ट्री है, यूएस हिस्ट्री भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन उसका एक एक्सक्लूसिव बैच हम लेकर आएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है जेंडर स्टडीज है, इन्वायरमेंटल साइंस का भी एक एक्सक्लूसिव बैच हम जो है उसका निकालेंगे, राइट। इसके अलावा हमारे पास क्रिमिनोलॉजी है, हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल लॉ है, जेंडर स्टडीज है, हमारे पास जो है वो पंजाबी है, मतलब दीज आर द सब्जेक्ट्स। एंथ्रोपोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन 10 स्टूडेंट्स, राइट। करंटली वी डोंट हैव इट, बट इफ वी हैव 10 स्टूडेंट्स वी विल डेफिनेटली ऑफर इट। क्वेश्चन मैडम, सर नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की आपकी टाइमलाइन इस साल क्या रहेगी, और मतलब कौन से होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, अब दो चीजें मैडम इसकी, हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया है कि हर साल बीएमएस होगा, राइट। अब एक्सपेक्टेड ये कि होगा, अब इनका पता कोई नहीं है कि हर साल पीएमएस करते हैं कि नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट्स ने इस साल पीएमएस इसलिए नहीं दिया क्योंकि उनको लगा कि सीटें बड़ी थोड़ी हैं, राइट, हमें अगले साल पीएमएस देना चाहिए। अब अगर आप सिचुएशन देखें ना, तो हर साल सीट्स कम होती जा रही हैं पीएमएस की, राइट। अगले साल उसे ज्यादा नहीं होनी, इसी से कम नहीं होनी, तो पहली बात तो ये समझ लें आप। दूसरी चीज, अगर आपने पीएमएस की तरफ जाना है, तो पीएमएस के अंदर 1 से 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके बाकियों से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल एससी आपका सेम है, राइट, प्रेसी कॉम्पोजिशन आपके पास सेम आता है, पाकिस्तान अफेयर्स आपके पास सेम आता है, इस्लामियात आपके पास सेम आता है, जनरल नॉलेज हम सेपरेटली करवाते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर किसी ने पीएमएस की तैयारी शुरू करनी होती है ना, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप अभी ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ें, राइट, जो आपके कॉमन है सीएसएस के साथ। उसके अलावा आपका जो जनरल नॉलेज होगा या उर्दू होगा, जो कि आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आ जाता है, उसको हम बाद में ऑफर करते हैं, ताकि कम से कम अगर आप ये सोचना शुरू करेंगे कि चले मैं तैयारी शुरू करूंगी ही जाके, तब जब ऐड आएगा, तो आपको पता है पीएमएस का ऐड आता है तो साथ ही अगले हफ्ते तो पेपर शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन ये करें कि जो 4 सब्जेक्ट्स कॉमन है ना आपके सीएसएस के साथ, उनको अभी पढ़ें, 2 सब्जेक्ट्स जो आपके नॉट कॉमन है उर्दू एंड जनरल नॉलेज, उसको आप तब जाके पढ़िएगा जब हम इसको ऑफर कर देंगे जो है वो। अगर आपको जनरल नॉलेज अभी करना है ना, तो कि इट्स गुड आप उसको जितना अर्ली स्टार्ट कर लें बेटर है, क्योंकि पीएमएस में एससे नहीं फेल होता, पीएमएस में जीके फेल होता है, ठीक है। एंड सेकंडली जीके क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड चीज है, तो इट्स बेटर अगर आप उसे अभी स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आपका जीके 20th जून से वैसे भी स्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ पे आपके ये वाले सब्जेक्ट्स 15 जून से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 20th से जीके स्टार्ट हो रहा है, वो अगर आप अलग से ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो आप तब करेंगे। आप बाकी इट्स फाइन, आपके पास 2.5 महीने हैं, 2.5 महीने में आप अपने कंपल्सरीज और जो ऑप्शनल्स आपके साथ साथ कैरी होते हैं उसको मॉर्निंग में करें, आपके जो बाकी के ऑप्शनल्स रह जाएंगे 2.5 महीने के बाद, प्रॉबेबली 2-3 ऑप्शनल्स ही बचेंगे, आप उसको इवनिंग में करें और आप हमें टेस्ट इवनिंग में देते रहें। इजी है सर।
Absolutely, that includes all this that subject. Because the majority PMS ke andar aapke paas majority portion no ko lagta hai ki sirf pre 1947 aata hai. Lekin agar aap usko dekhe na understand kare, ab paper agar aap nikal ke dekhe, jo aapka paper aaya hai is dafa PMS ka Pakistan affairs ka, wo 1947 se jo pichle ka portion ko deta tha, wo bhi kam hona shuru ho gaya. Right, aisa sab wo cheezein bhi aa rahi. Acha, ek question hai ji, Amreen mujhse pooch rahi baar baar ke main GPA apna likh rahi ki itne GPA pe main join kar sakti hu. Ji bilkul kar sakti hain Amreen aap, uske liye koi requirement nahi hai ji. Aap 2.7 ke upar bilkul apply kar sakti hain, na hamari koi requirement hai ji aur na ye CSS walon ki requirement hai aise mauke ke upar. Wo bas kehte hain ki second division honi chahiye aapke paas. जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपका स्टार्ट होगा, आप दिसंबर में करें, ठीक है? मेरा ही कहना है सिर्फ कि आप जितना जल्दी चीज को स्टार्ट कर लेते हैं ना उतना बेहतर होता है, ठीक है? आप यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी, आप जब मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। हां, हमने बात की कि टीचर्स अवेलेबल हैं, आपके बैच पर डिपेंड करता है कि आपके 10 टू 14 जो आपके पेट सब्जेक्ट्स हैं दे आर ऑफर्ड, ठीक है? जो आपके रेयर सब्जेक्ट्स है ना, पश्तो है फॉर एग्जांपल या जीपीपी है, इट विल बी ऑफर्ड आपका जब बैच बनता है तो। जुलाई के शुरू के अंदर अपना जो है ना वो उसको ज्वाइन कर सकती है सेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जी अच्छा, अभी कुछ रिपीटेटिव ही हो रहे हैं क्वेश्चंस, रिपीटर्स की स्ट्रेटजी हमने सैप पे बात कर ली है, आप उसको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है? और ड्यूरेशन ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको दोबारा इसको रिविजिट करना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं गिवन नंबर के ऊपर, या रिकॉर्डिंग ही आपके पास अवेलेबल होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं तूफान आ गया था तो इंटरनेट नहीं था, तो आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं। जी मुस्कान, और जेन्युइन क्वेश्चन जी मुस्कान, आपको डिग्री अगर जून में एंड पे मिलेगी तो आप जुलाई के सेशन को बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं। मैडम जिसने बार बार ये बात करी है, द बेटर द सिचुएशन इज कि आप जितना अर्ली उसको ज्वाइन करें, लेकिन अब आपके पास मजबूरी ही ये है कि आप जून में फ्री होना है तो आप राइट अवे फिर जुलाई में ज्वाइन करें ताकि उसको उससे ज्यादा लेट ना हो, क्योंकि देखें इस पोर्शन को आपको टाइम देना है इसको, राइट? तो जितना मैडम ये बात करी थी और मैं भी हमेशा ये बात करता हूँ, याद रखना है आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वक्त ना आपने कोई अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए नहीं देनी कि चलो पहली अटेम्प्ट दे के देखते हैं कि ये होता क्या है, राइट? बहुत से स्टूडेंट सिर्फ ये कर रहे होते हैं कि लेट अस हैव द टेस्ट ऑफ दिस आइडिया फर्स्ट, राइट? जो टेस्ट करते करते ना बहुत टाइम लग जाता है आपको। और दूसरी तरफ अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि अभी 7-8 महीने पड़े हुए हैं तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है, यकीन करिए टाइम ऐसे गुजर जाना है, राइट? अभी आपकी आगे ईद आ जानी है, ईद के बाद मुहर्रम आ जाने, मुहर्रम के फौरन बाद आपके पास जो है ना अगस्त सितंबर आ जाना, आपको लगना है वो अभी तो फरवरी आ गए, राइट? तो द बेटर सिचुएशन इज जितना जल्दी आप इसको स्टार्ट करें ना उतना आपके लिए बेहतर है। मजबूरी अगर आपकी ये है कि आपकी डिग्री ही जून के एंड पे कंप्लीट होनी है और आप जुलाई में ज्वाइन कर सकते हैं, मोर देन वेलकम, आप जुलाई वाले सेशन के अंदर आ जाइएगा, जून वाले सेशन को ना ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप जून वाले सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, मोर देन वेलकम, आप जून वाले सेशन को ज्वाइन करें, राइट? अच्छा जी, इसके अलावा सर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं, इस लेक्चर की बात कर रही हैं? हाँ जी, ये जो लेक्चर आप अभी हो रहा है ये रिकॉर्डेड लेक्चर, आप उसको मिल जाएगा आपको जी। ये फाइनल बस क्वेश्चन आप लोगों के, जी हसन नवाज इज सेइंग वी वांट टू जी 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 अच्छा एक स्टूडेंट को अगर अगर आपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने अगर किसी ने फॉर एग्जांपल फर्दर के क्वेश्चंस चाहिए आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स के, तो आप अपॉइंटमेंट फिल करें और हम आपका अपॉइंटमेंट करके वन वन सेशन आपके साथ करेंगे, आपको वो चीजें जो अल्टीमेटली क्लियर करेंगे। ड्यूरेशन आप पूछ रहे हो तो बुरहान, ड्यूरेशन आपका ये है कि आपका 2.5 महीने कंपल्सरी, 2.5 महीने ऑप्शनल होके,
टिल अक्टूबर, आपके फर्स्ट अक्टूबर से पहले पहले सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। अली आप जो फी का पूछ रहे हैं ना, फी के लिए आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर के ऊपर कॉल करनी पड़ेगी, जो कि नंबर हमने शेयर कर दिया है जो है वो 0303 वाला नंबर, आप उसको उस नंबर में मैसेज करें या कॉल करें, आपको उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके लिए जो है वो मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह सर। आपका क्वेश्चन सर। Okay. So I choose physics. I even gave three months extra for physics. Okay. So the issue is that it was a bit less of physics problem in the paper. Or both are students, both in the paper. Or if you know the facility of those percentages, I don't know if I can take the five physics. This is on one of them. So I'm not ready to talk about it. मैं इस चीज को 100% डिसएग्री करता हूं इस चीज से कि कुछ सब्जेक्ट हिट हो, राइट right? उसकी रीजन बड़ी सिंपल सी, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, मैं आपको अपनी 8 साल की ना टीचिंग का निचोड़ बता दूं। एंड मैं बस एक सॉरी एडिशन कर दूं बिफोर यू गो ऑन के प्लीज नेवर से के उसको उसमें फेल कर दिया गया, ठीक है। द मोमेंट वी स्टार्ट सेइंग कि हम फेल हुए, एटलीस्ट वी ओन अप टू द रिस्पांसिबिलिटी, और उससे ये चीज जरूर हो जाती है कि हम ये महसूस करते हैं कि अच्छा मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपने रिजल्ट को चेंज तो कर सकता हूँ, ठीक है। फेल किया नहीं जाता, प्लीज FPSC इज नॉट अगेंस्ट यू, एग्जामिनर इज नॉट अगेंस्ट यू, इट्स जस्ट दैट ही और शी इज लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक डिटेल्स इन योर पेपर जो कि उसको चाहिए। आप उसको वो चाहिए वाली चीज नहीं दे रहे, वो आपको फेल करेगा, आपका फेल हुआ 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 गया या किया गया वाली चीज नहीं है। दे हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ एवरी वन, देन इन एवरी पेपर दे आर लुकिंग फॉर समथिंग बेस्ट, ठीक है। बाकी सर अब मैं आपको एक चीज मैं समझाता हूँ छोटी सी। जब सी एस एफ एग्जामिनर के पास पेपर जाते हैं ना, तो पेपर चेक करने के लिए ना उसको पर पेपर पैसे दिए जाते हैं, राइट। मैं अगर मेरे पास 2000 पेपर आया है और उसमें से मैंने 1500 पेपर जो है ना फेल कर दिए अल्टीमेटली, तो अगले साल स्टूडेंट कम ऑप्ट करेंगे, मुझे भी कम पैसे मिलेंगे। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें एट द एंड ऑफ द डे। मैं मॉनिटरी कॉन्सेप्ट की तरफ कॉन्सेप्ट की मैं बात करता हूँ, दूसरी तरफ में बड़ी क्लियर एक बात हो जाए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स राइट हु बिलीव कि दे हैव द डिग्री इन दैट सर्टन सब्जेक्ट, दैट मींस कि उनको बहुत कुछ पता है। जो बात मैंने उनको कही थी कि इफ यू हैव ऑलरेडी रेड समथिंग इन योर मास्टर्स और योर बैचलर्स, वेरी गुड, इस राइट अवे उसको नहीं ऑप्ट कर लेना है। आप जाएं सिलेबस निकालें और ये देखें कि पास्ट पेपर्स के अंदर उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली कितने सवाल आए। आप मुझे बताएं, आप जब से फिजिक्स आपके पास आया है, आपने जब तैयारी शुरू की सिंस 2000 से लेकर 2023 तक, कितने साल के पास पेपर आपने जो है ना सातों के सातों क्वेश्चन सॉल्व किए? फाइव ईयर के मोर देन, आपके पास जो कुछ भी ये एग्जिस्ट नहीं करता। आपको सिंस 2000 टू लेकर 2023 तक के कॉन्टेक्स्ट को अगर आप आए हैं, ये 24 साल के पास पेपर्स बनते हैं। अगर आप इसको, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको आप 2000 से शुरू करना और 2023 का तक आना, आपको ये पता चलेगा कि हर 2 से 3 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। सिलेबस वही है, आर्गुमेंट वही है, राइट right? सिर्फ प्रॉब्लम पता कहां पर आती है, प्रॉब्लम आती है कि हम पास पेपर्स को सॉल्व नहीं करते, राइट क्वांटम फिजिक्स का ज्यादातर इंजीनियर्स ने खास नॉलेज दिया। इस बार जो पेपर आया वो मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पर फ्रॉम क्वांटम, राइट। मैं ये तो बता रहा हूँ आपको दैट नहीं है, क्योंकि पास होने मेरी सिलेबस का पार्ट अगर वो है कोई चीज, और आप कह रहे हो कि ये हमने नहीं की या हमारे उस पे एक्सपर्टीज नहीं थी, तो एग्जामिनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज इट इज अप टू द एग्जामिनर वो किस साल किस पोर्शन में से ज्यादा दे दे। That is the thing कि आपको तो सिलेबस पूरा करना है, और यही चीजें फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन में आती हैं, ठीक है। आपको अगर सिलेबस का एक भी बिगर चंक नहीं हो पा रहा,
तो देन एक्सेप्टेड के ये शायद या तो मेरे लिए सब्जेक्ट नहीं है या फिर मुझे करके जाना है. हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हम सेलेक्टिव स्टडी करते हैं. मैं बिटर साउंड करूंगी अभी, ठीक है, लेकिन ये आपके भले के लिए होगा और सबके लिए होगा. हम सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि इस सेलेक्टिव में से इस डिविजन के मुताबिक पेपर आएगा, ठीक है. हमारी एक्सपेक्टेशन में गलती है, एग्जामिनर की डिस्क्रेशन है, वो जहां से मर्जी दे दे, क्योंकि ये अब हमारा वो मेट्रिक एफएससी का या कॉलेज लेवल का पेपर नहीं है, ठीक है. ये चीज होगी. देखे, अब ये सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है. आप कह रहे हो ना कि फिजिक्स को पूरा कवर करना इम्पॉसिबल है, जो लोग क्लियर करते हैं उनके लिए पॉसिबल होगा, ठीक है. तो सब्जेक्ट सिलेक्शन में यही चीजें हमें ध्यान से देखनी होती हैं, राइट. वी शुड नॉट गेट फिक्सेटेड टू द कॉन्सेप्ट कि एक सब्जेक्ट मैंने करना है, लेकिन मुझे चाहिए भी ये कि उसमें से सिर्फ वही आए जो कि मैं करना चाह रहा हूँ. अच्छा, मुझे बात करें, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर दिस? बैकग्राउंड है फिजिक्स के अंदर, जस्टिफाइड, राइट. आपने सब्जेक्ट ऑप्ट करते वक्त क्या उसके सिलेबस और उसके पास पेपर्स निकाल के देखे थे उसमें से कितना पोर्शन ऐसा था जो कि आपने कवर किया हुआ था ऑलरेडी, और कितना पोर्शन था जो कवर नहीं किया हुआ था? कवर किया हुआ था 20% कवर नहीं किया हुआ था. और 20% में से क्वेश्चन आया आपके पास मेजॉरिटी, पार्ट टू के अंदर मेजॉरिटी उसके पास क्वेश्चन आया. अब उसकी रीजन मैं समझाता हूं क्या है. सीएसएस के अंदर सिवाय क्रिमिनोलॉजी के ना सारे सब्जेक्ट्स इस तरह के हैं. क्रिमिनोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है जिसमें 7 नहीं 8 सवाल आते हैं, राइट. और उसमें उन्होंने ना पूरे के पूरे अपना उसको सब्जेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया. पहले हिस्से के 25 मार्क्स है, दूसरे के 25 है, तीसरे के 25 है, चौथे के 25 है. इसका मतलब है कि चारों हिस्सों में से सवाल आने ही आने. फिजिक्स में ऐसा नहीं है. फिजिक्स में उसने ऐसे नहीं किया हुआ कि इस पोर्शन में 25 आएंगे, इसमें से 25, इसमें से 25, इसमें से 25. दैट मींस कि अगर आप 75 कवर कर लो तो 25 छोड़ो. अगर उसने एक पूरा सिलेबस दिया हुआ है, एग्जामिनर का ये एग्जामिनर का अपना प्रोग्रेटिव है कि वो उस बेशक एक सवाल के अंदर से, राइट, आपके पास 3 सवाल दे दे. एग्जाम्पल देता हूँ, करंट अफेयर्स 2020 के अंदर अगर आप सिलेबस निकालो, लिखा हुआ है पाकिस्तान सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान. सोशल प्रॉब्लम में 2020 के पेपर में 4 सवाल आए थे एक ही पोर्शन में से. उसने एनर्जी क्राइसिस भी पूछ लिया, राइट, उसने वाटर क्राइसिस भी पूछ लिया, उसने ग्लोबल वार्मिंग भी पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया उसने. अब आप मेजोरिटी स्टूडेंट कहते हैं सर देखे ना एक सवाल आया करता था, उसने चारों पूछ लिया. होता है ऐसा क्योंकि एग्जामिनर को रियलाइज हो जाता है कि स्टूडेंट को लगता है कि इसी में से आता है, बस यही पढ़ लो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस्तीफा हुआ पंजाबी के साथ, पंजाबी में स्टूडेंट्स को किसी ने बताया कि अच्छा भाई ये पोर्शन छोड़ दें, बुल्ले शाह पढ़ लें, आप जो है ना वो वारिस शाह पढ़ लें, और आप जनाब वो पढ़ लें जो है ना बाबा फरीद, बस इससे आगे नहीं आना. उसने बाबा फरीद, बुल्ले शाह, वारिस शाह को हाथ ही नहीं लगाया. क्योंकि मैं अब आपको एक बात बताऊं, अब आई डोंट नो ये सब्जेक्ट्स आपके थे या नहीं, लेकिन जिनके होने वाले हैं उनको मालूम होगा ये चीज, आप प्लीज सब क्लियर कर लें. एक मिथ रहता है टीचर्स का ही प्रोपेगेट किया हुआ कि ये सब्जेक्ट है ना तो इसमें से इस 80% में से आपका मेजोरिटी पेपर हो जाएगा. ये मिथ सब ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है. एग्जामिनर की रिपोर्ट नाम की एक चीज आती है जिसमें एग्जामिनर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर रिपोर्ट में ये लिखता है कि इस साल मैंने, फॉर एग्जाम्पल, मैंने फिजिक्स के पेपर चेक किए तो मुझे फिजिक्स के पेपर में ये गलतियां नजर आई मेजोरिटी की, और ये मेरी रिक्वायरमेंट थी जो पूरी नहीं हुई. ये रिपोर्ट हर सब्जेक्ट के लिए आती है, आपको FPSC की वेबसाइट से मिल जाएगी. यू विल सी के 2019 तक वो जिन चीजों को कह रहा था ना कि SA के अंदर, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस के अंदर फला फला सब्जेक्ट में ये चीज नहीं नजर आ रही, वो अब उन्हीं में से पेपर दे रहे हैं जान के. क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये स्टूडेंट जो है वो इसी पैटर्न पे प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वाला 20% छोड़ है, या ये चीज स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता नहीं है. ये फिल्टरिंग आउट है. पंजाबी में क्या हुआ कि हमेशा ये बोला जाता है कि क्लासिकी शायरी में से इतना आना है और जदीद शायरी में से इतना आना है, और इस पोर्शन में से आप इसे छोड़ भी देंगे तो आपका पेपर हो जाएगा. उसने घुमा के बॉल जो है कराई है कि उसने क्लासिक की शायरी को बिल्कुल वेटेज नहीं दी, पैटर्न डिफरेंट हो गया. पंजाबी में भी यही आर्गुमेंट लगती है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ इट. ये सेम आर्गुमेंट स्पेशली 200 नंबर के जितने पेपर हैं उन पे ज्यादा लग रही है, जैसे कि फिजिक्स है. पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी इट इज इम्पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बट देयर इज अ वे जिससे पॉसिबल फिर भी होता है. वो वे हमने देखना है कि क्या है. अब हुआ क्या, कभी उसने जिंदगी में 70 सालों में 50 सालों में रेने डेकार्ट नहीं दिया एज अ फिलोसफर, उसने कभी स्पिनोजा नहीं दिया. स्पिनोजा है भी नहीं उसके अंदर. स्पिनोजा फिलोसफी के पेपर में है, स्पिनोजा पॉलिटिकल साइंस में नहीं है. उसने दिया है क्योंकि उसे पता है कि थ्योरी को बच्चा नहीं करता, पॉलिटिकल फिलोसफी को वो
डंडी मारता है क्योंकि उसे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल ज्यादा है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड भी एग्जिस्ट नहीं करते, और बैकग्राउंड हो भी तो उन्हें पता है कि यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, राइट? आपका सेम प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? उन्हें पता है इंजीनियर्स नहीं फिजिक्स ऑप्ट करनी है, फिजिक्स के स्पेशलिटी ग्रेजुएट्स तो कम ही है ना, वो जानबूझ के उन पोर्शंस में से पेपर देंगे जिसको वो 50 साल में से देख रहे हैं, ये स्टूडेंट नहीं कर रहा, वहीं से फिल्टर लगेगा कि फिर किसने ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत की है। वो आप ही के प्रोफेसर हैं जिन्होंने फिजिक्स का पेपर बनाया है एंड दे नो कि हमने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया, और ये पैटर्न फॉर्मेशन होती जा रही है, ये पैटर्न आपको तमाम स्पेशली 200 नंबर के पेपरों में दिखेगा। एग्जैक्टली यही है। अब उस इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल में कन्वर्ट करना इज स्टिल पॉसिबल, ठीक है? नाउ देयर इज अ वे जिसमें उसको लेके चला जाता है। फिर सोशल साइंसेस के अंदर इट्स पॉसिबल, लेकिन इस तरह के टेक्निकल सब्जेक्ट को, मेरा ख्याल है कि फिर ये सब्जेक्टिव आर्गुमेंट भी है, लेकिन स्टिल अगर आपको ये लग रहा है ना कि इट इज नो शेम इन अज्यूमिंग के ये चीज मेरे से फॉर एग्जांपल 100% नहीं होगी, ठीक है? आप ये बात कर रहे हैं ना, मेरा भी एक क्लासमेट तो नहीं, मैं कहूँगी बैचमेट, जिसने 2020 में मेरे साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ठीक है? उसने बड़ी लेट अटेम्प्ट दी 2023 में आके क्लासें पढ़ पढ़ के, वो हमारे हर वर्कशॉप में आता था, ठीक है? उसका एसए भी पास है, उसका करंट पाकर में भी अच्छे नंबर है, उसके ऑप्शनल में अच्छे नंबर है, वो फिजिक्स में फेल हुआ है, और वो यही कहता है कि मैं फेल भी हुआ तो किस चीज में। उसको मैंने तब भी कहा था कि ठीक है तुम इंजीनियर हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें फिजिक्स आए, मतलब सब्जेक्ट में जाओ जब तुम स्पेशलिटी वाइज उसको डील कर सकते हो, ठीक है? अब वो बदल के पॉलिटिकल साइंस रख रहा है, ठीक है? तो ये हमें अपनी और पेपर की एग्जामिनर की असेसमेंट डीपली करके देखना होता है कि हमें हर हाल में कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पास थ्रू करवा देगा, ठीक है? ये नीचे एग्जामिनर की रिपोर्ट, प्लीज रीड इट। जिन पोर्शंस पे उसने कहा होगा ना कि ये बच्चा नहीं पढ़ के आया या इसमें परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं थी, इस दफा उन्हीं में से पेपर्स आ रहे हैं। इफ यू थिंक कि ये पोर्शन मुझसे बिल्कुल क्रैक नहीं हो रहे, देयर इज नो हार्म इन चेंजिंग द सब्जेक्ट, ठीक है? हर बंदा ऑफ कर रहा था और उनको लगता था कि ऐसा आप दो तीन आप ना ऐसा करें, जॉर्ज वॉशिंगटन तैयार कर लें, आप ऐसा करें और आज जनाब आप थियोडोर रूज़वेल्ट तैयार कर लें, आप फ्रैंकलिन रूज़वेल्ट तैयार कर लें, राइट अब्राहम लिंकन तैयार कर लें, आपकी यूएस हिस्ट्री तैयार है। उसने पूछा ही नहीं इनमें से कुछ, उसने कहा कि आप मुझे बताओ कि यूएस हिस्ट्री स्टार्ट कहां से होती है, राइट? उसने इन डेप्थ ऐसी चीजें पूछी यूएस हिस्ट्री के बारे में जो यूएस हिस्ट्री वाले को भी नहीं पता था, राइट? टीचर्स ने पढ़ाई नहीं थी ना उसके बारे में, क्योंकि वही एक तरीका चल रहा है, उसी में से सिलेबस आता है, उसमें सारा कुछ आता है, टीचर भी अपडेट नहीं कर रहा है अपने आप को, राइट? उसने भी वही कॉन्सेप्ट। अब हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि टीचर भी आपको ये कहता है अच्छा ये पढ़ लो इसमें से आ जाएगा। प्रॉब्लम ये कि टीचर ने भी खुद उतना ही पढ़ा, क्योंकि जो आपको फॉर एग्जांपल अल्टीमेटली मेजॉरिटी वो लोग जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होते ना, उन्होंने भी खुद भी अपनी उतनी ही तैयारी करके पेपर दिए होते हैं, राइट? इसलिए वो तैयारी भी उतनी ही करवाते हैं बाद में, क्या अच्छा भाई क्योंकि मैंने इतनी पढ़ा था ना, इसे तुम भी इतना ही पढ़ो। आपके पास मोटरवे की लिमिट कितनी, 120, राइट? मैं अगर 190 पे जाकर इस्लामाबाद पहुंचा और मैं कहूं सर मैं 190 पे पहुंचा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने भी 190 पे जाना, आपका चालान हो सकता है क्योंकि मेरा शायद ना हो, राइट? रूल्स आर 120, इफ यू विल नॉट फॉलो द रूल्स समवन विल मे गो एट 190 एंड नॉट कॉट, एंड समवन मे बी कॉट एट 130 एज वेल। आपने कहा सर ये मैं सर ने मुझे बताया 190 भी गए, आपने चालान ही नहीं किया उनका, मे बी मैं निकल गया उसके अंदर। एक्सेप्शंस पे केस लड़ते ही कभी नहीं। अब की अटेम्प्ट्स में डेप्थ मैटर्स, ठीक है? अब उस दिन क्या लड़ाई हो रही थी हमारी कि मैंने जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था ना जहाँ से, तो उन्होंने 25 लेक्चर्स में पॉलिटिकल साइंस करवा दिया था, इतना ही कैप होता है, 30 लेक्चर्स में करवा देते हैं। मेरी लड़ाई ये हो रही थी कि 25 लेक्चर मुझे सिर्फ पॉलिटिकल फिलोसफी कराने के लिए चाहिए, अगर उस सारी कवर करनी है तो, मतलब वही बात है कि 80-20 कराए बगैर तो अब आप देख लें आपने क्या कितने लेक्चर्स में पेपर टू कराने हैं। The thing is, depth अब चाहिए, अब पढ़ना पढ़ाना दोनों चीजें मुश्किल हैं, आपको 100% करना पड़ता है तब जाके पेपर स्पेशली 200 वाले जो हैं वो निकलेंगे। अगर आप हमारे मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, राइट ऑन रिकॉर्ड लाइव जाते हुए, कि कोई बंदा करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर 40 लेक्चर नहीं दे रहा, पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं दूंगा, राइट? हमारे पास पूरे 40 लेक्चर्स की डिवीजन पड़ी हुई है, आप अगर जब साइन अप करते हैं तो उसके लिए लिखा होता है कि ये लेक्चर्स अपलोडेड है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं,
प्लानर सारे अपलोडेड हैं कि इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, फिर एक टेस्ट है, फिर लेक्चर्स हैं, फिर टेस्ट। और दूसरी मजे की बात बताऊं आपको, मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स जो कहेंगे ना मैं 40 लेक्चर पढ़ाता हूं, उनके टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं उन लेक्चर्स में। मेरे टेस्ट 13 उन लेक्चर्स के अलावा हैं, यानी दैट मेक्स इट 53, राइट? वो डिफरेंट हो जाता है। सेम कोर्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एज वेल, राइट? जिसको हमने 35-40 लेक्चर्स प्लान किए हैं, राइट? कि हम इसमें पूरा कंप्लीट करवाएंगे, और उसमें पॉसिबिलिटी है अगर हो सकता है शायद हम इससे भी बियॉन्ड चले जाएं, क्योंकि बड़ी सिंपल सी लॉजिक है, हमारा पढ़ाने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। अगर कोई फॉर एग्जांपल ऑनलाइन कोई स्टूडेंट मेरा रहा है, या फॉर एग्जांपल बाकी किसी चीजों के अंदर जो है अल्टीमेटली जो है वो रहा है चीजों को, मेरी आदत है कि मैं डिक्टेट करवाता हूँ चीजों को ना क्लास के अंदर। अच्छा लिखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, मेरा ज्यादा टाइम लगता है उसके अंदर डिक्टेट करवाने में। मुझे ज्यादा फायदा है कि मैं हेडिंग डलवाऊँ और आगे चलूँ, राइट? लेकिन क्योंकि मुझे ये पता है कि स्टूडेंट ने ना जब घर जाके दोबारा इसको पढ़ना है ना, तो उसको दोबारा एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। तो 13 टेस्ट हो रहे हैं, 40 लेक्चर्स हो रहे हैं, राइट? पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा ही है, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं अल्टीमेटली इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास फिर हर हफ्ते में टेस्ट भी लेना है। हम हर हफ्ते 2-3 लेक्चर्स करवा के उसका टेस्ट लेंगे, फिर 2-3 लेक्चर्स करवा के उसका टेस्ट लेंगे। तो दिस इज व्हाट वी डू बेसिकली सारे के सारे सिनेरियो में। एनी लास्ट क्वेश्चन? जी, कोई सवाल, मसला, परेशानी? बस एक चीज आपने याद रखनी है, अंडरस्टैंड करनी है बस, बाकी हम उसको रैप अप करते हैं। ऑनलाइन किसी के सवाल है तो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, राइट? लेकिन ना फिर एक चीज आपने याद रखनी है, मैं भी सिंपल सी बात बताता हूँ, हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, इन ऑर्डर टू फ्लाई यू हैव टू जंप। जंप तो लगाना पड़ेगा आपको, डर सिर्फ जंप लगाने में लग रहा होगा, राइट? लेकिन जब इंसान फिर उड़ना शुरू करता है ना, राइट, तो फिर भूल जाता है कि अच्छा मुझे तब कितना डर लग रहा था। तो आपको थोड़ा डर लगेगा अभी कि यार पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, राइट? बाद में जाके इंसान सोचता है कि यार चलो मैं कोशिश तो करता, एटलीस्ट ट्राई तो करता कि शायद हो जाता। जितने लोगों ने टॉप किया है, यकीन करें इंसान है, आप ब्लड लेंगे ना तो ब्लड निकलता है, ठीक है? कहने का मकसद ये है कि उसमें ऐसी कुछ, हाँ बस एक चीज़ फर्क होती है उनके अंदर, वो फर्क ये होती है कि वो जुड़ जाते हैं फिर एक चीज़। अच्छा भाई मैंने करना है तो मैंने करना है, राइट? बस आपने काम करना है, आपने जुड़ जाना है, कि आपने सोच लेना है कि अच्छा भाई मुझे करना है, खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाऊंगा कोई बात नहीं, खड़ा होऊंगा फिर दौड़ूंगा, राइट? लेकिन मैं इसलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ क्योंकि फिर मैं आपको कहूँ एंग्जाइटी अटैक्स भी होंगे, डिप्रेशन भी होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन ना आपने बस ये समझना है कि ये पार्ट एंड पार्सल है इस सारे की सारी सिचुएशन का, जो कि ना एक्स्ट्रा आपके पास आ जाता है, मतलब साथ उसके ना एक्स्ट्रा होता है। आप कभी जाए ना माल रोड के ऊपर, कभी आपने वो हाफिज जूस कॉर्नर पर जूस पिया जाके, राइट? वो छोटे ग्लास से ना बड़े ग्लास से छोटा ग्लास फ्री देते हैं, जो साथ चुंगा देता है उसको, वो चुंगा कहते हैं उसको, देखा? वो चुंगा साथ आता है डिप्रेशन एंग्जाइटी के अंदर, जब आपने सीएसएस की तैयारी करनी होती है तो आप सबसे पहले ना वो छोटा ग्लास पीते हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी को अंदर करते हैं, उसके बाद बड़े ग्लास की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया? तो तरीका यही होता है, पहले चुंगा पी जाए, याद रखें आएगा साथ, पार्ट एंड पार्सल है, आप उसको मना भी करेंगे वो साथ दे देगा, कहता नहीं फ्री है, आपने पैसे बड़े ग्लास के दिए हैं उसको, वो साथ छोटा ग्लास फ्री देते हैं आपको, ठीक है? तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता है डिप्रेशन एंग्जाइटी, इस प्रोसेस में जरूर होगा, राइट? ऐसा कोई नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसा कह ही नहीं सकता मैं स्लीपलेस नाइट्स नहीं, राइट? एग्जाम्पल्स देंगे सारी जनाब किसकी, कुछ एग्जाम्पल दे रहा है जनाब बिल गेट्स की, राइट? एग्जाम्पल दे रहा है जनाब किसकी, जनाब इलॉन मस्क की, राइट? वो ये नहीं देख रहे कि इलॉन मस्क और बिल गेट्स और इलॉन मस्क एक दिन में नहीं बन गए, इट टुक देम अ लॉट ऑफ टाइम। पीपल वॉन्ट टू बिकम इलॉन मस्क ऑफ टूडे, बट दे नेवर वॉन्ट टू वर्क हार्ड लाइक इलॉन मस्क डेड 20 ईयर्स अगो, राइट? यही मसला है हमारा, हमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत रायगा नहीं जाती, राइट? क्योंकि फिर इंसान ये कहता है ना मैंने मेहनत की थी, अल्लाह ताला ने मुझे इसका फल नहीं दिया। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, मैं इस पर पूरे का पूरा मेरा एक ईमान है इसके ऊपर, अल्लाह ताला अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं रखता कि मेरे बंदे ने मुझे कहा है ना कि मैंने मेहनत की थी, अल्लाह तेरे घर में कितनी कमी थी तो मुझे नवाज देता। अल्लाह कहता कोई बात नहीं, यहाँ नहीं नवाजा ना तो मैं कैसी जगह नवाज दूंगा जहाँ तुम्हें लगेगा तो तुम डिजर्व भी नहीं करते। मेहनत जारी रखें, मेहनत करेंगे अल्लाह ताला खुद ही डिजर्व कर देगा, आपको आपको चीजें प्रोवाइड कर देगा सारी चीजें, ठीक है जी? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंडेंस एंड सी यू इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट, इंशाल्लाह जी, थैंक यू। अभी भी कुछ रह गया हो तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हां ठीक है।